अरे गाना का बंद कर दिया भाई, बिना गाना का खाना नहीं पचता है हमारा, समझे? धंधा पानी कुछ है ही नहीं, खाने की बात करता है। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मेहनत की छोड़ो किस्मत की खाओ में, जहां ज्योतिषी जी आलसी श्रोताओं का जवाब देंगे। गोरेगांव से तरुण का सवाल है, कैटरीना जैसी गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है? अरे नादान बालक, लंगूर जैसे शक्ल वालों को कैटरीना जैसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है बेटा। अगला सवाल पूछा जाए। ओके, अगला सवाल किया है मनु दादा ने। आया मेरे सवाल, आया मेरे सवाल। टाइम खोटी चल रहा है, बेईमानी का काम ईमानदारी से करके भी फायदा नहीं होता। वशीकरण, जादू टोना, बलि देना, सब कुछ करके देख लिया, कुछ बदलाव नहीं आया। यदि तुम्हारी जेब ढीली है तो पीली चीजों में सफलता ढूंढो, धनाधन धन तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। अबे पीली चीजों का क्या मतलब हुआ, कुछ काम का उपाय बताने का। किस्मत का खेल निराला होता है, जो मेहनत नहीं करता उसका बोल बाला होता है। पीली चीजों में सफलता, मजदूर का खाना दोनी वाला होता है, मंजिल तक पहुंचाने वाला रिक्शा वाला होता है। बजाओ ताली, अपने हाथ मत रखो खाली, तुम्हारी जेबें मीटिंग में हूँ, जल्दी बोल। ये गोली किसी और को दे, तेरी बेटी स्कूल बैग के लिए मातम मना रही है। तू लाके देगा या पड़ोसी को लाने? अरे ले आऊंगा। शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें करता था, आज एक स्कूल बैग भी लाकर नहीं दे सकता। जब देखो उस टकले की तुम बन के घूमता रहता है, उस टकले को कीड़े पड़ेंगे, सड़के मरेगा। अबे बेइज्जती कराने की है, आवाज कम करके करा। मेरी बात सुन रहा है ना? अरे फोन में घुस के बैग दे क्या, फोन रखती है कि नहीं? रख ना, तो छोड़ूंगी नहीं। अरे ससुराल में दावत भी आया है क्या? ज्योतिष जी ने भी चक्कर में डाल दिया है। पीली चीज कहां से ढूंढूं अब मैं? अपने तो सब समझ के पा रहे। किस्मत खुलने वाली है, पीले बोर्ड के पास पीले कपड़े में सफलता दिख गई। जय गुरुजी। हिट है, सुपर हिट है, स्क्रिप्ट और शोरील दोनों ही हिट है। थैंक यू सर। इंटरवल पे पब्लिक बिल्कुल हिल जाएगी। थैंक यू। बॉक्स ऑफिस पे रख दो प्लीज। लो, आजकल फिल्में तो बस एक तरह का धंधा बन गई, पर मेरा ये पैशन है। झूठ बोलूं तो होटल गिर जाए, तुम्हारी कसम। पर कहानी में आत्मा की कमी है, समझ गए ना? समझ गए। उस पर जरा सा काम करो। हिट है। ये हीरोइन के लिए कोई दिमाग में है? वो जो भी करेगा उसका अवार्ड पक्का है। हाँ जी, राइट सर। मैं सोच रहा था कोई बड़ी एक्ट्रेस होती तो, जैसे शालिनी एकदम फिट रहेगी सर। शालिनी? शालिनी, हाँ हाँ शालिनी, वो तो ब्लॉकबस्टर है। पर क्या है कि स्टार्स तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, उनसे ज्यादा नखरे मैनेजर के होते हैं। मेरे पास तो टाइम नहीं, तुम उससे मीटिंग कर लो। श्योर सर। उसे राजी कराओ, फिर बस फिल्म शुरू। श्योर सर, थैंक यू। सुपर हिट फिल्म बनेगी, छा जाओगे तुम। थैंक यू सो मच। ठीक है, हीरोइन को ढूंढो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रोड्यूसर बोला पक्का फिल्म बनाएगा, बस अब शालिनी मान जाए फिल्म सेट हो जाएगी, और उसका भी फायदा है, उसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलेगा। स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो चेंजेस क्यों दिए? बोलना था ना पैसे दे फिर करूंगा। चेंजेस करूंगा तो अच्छा ही है, मेरी कहानी और निखरेगी ना। यार शालिनी का नंबर ही नहीं लग रहा है, ना ही उसका कोई मैनेजर है। यार मैं तो कहता हूँ कोई और एक्ट्रेस ट्राई कर ले। देख यार वो तो पैसे कमा चुकी है, पर तेरी जेब खाली है ये सोच ले, उसके इंतजार में रास्ते पे ना आ जाए। सर वो शालिनी, उसके बिना पिक्चर नहीं बनेगी। ट्राई कर रहा हूँ सर।
हेलो भैया। हाँ विशाल बोल। हाँ वो शालिनी का नंबर मिल गया क्या? हाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। लंच पे मिल, मैं बताता हूँ। चल भाई मैं चलता हूँ, नंबर मिलते ही मैं भेज दूंगा। बाय। कैसे कॉन्टेक्ट करूंगा शालिनी को? घर तो अच्छा है, काम कैसा चल रहा है? काम ठीक ही चल रहा है माँ। तू अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, देख जरा पेपर में तेरे डैडी का नाम लिखा है, उनको यहाँ बुला ले क्या? ये सामान ले लो। वहाँ उसके पीछे जाना। सुनना, उसका ईमेल आईडी मिला। तुझे लगता है वो ईमेल पढ़ती होगी? क्या पता, कभी गलती से चेक कर लिया तो। कैमरा यहां से आएगा फिर जंप होगा, शॉट ओके, नेक्स्ट शॉट। रुक 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 रुक। हेलो। हेलो शालिनी मैम। यस हू इज दिस? दिस इज विशाल। विशाल हे हाय। 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 प्लीज वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? नहीं कुछ नहीं। ओके एक्चुअली मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट 3 बार पढ़ी पर मुझे मेरा रोल कुछ खास नहीं लगा, तो मैं ये मूवी नहीं कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर से कोई बहाना बना देना, डायरेक्टली मत बोलना। ठीक है। थैंक यू फॉर द ऑफर, ऑल द बेस्ट। एक मिनट। हाँ हेलो। हेलो मैम, हम होटल की लॉबी में पहुंच गए हैं, अभी कॉल किया था ना। या तुम्हारा नाम विशाल है ना? जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल बी बैक। हाँ श्योर, थैंक्स। कैसी हैं आप? आई एम गुड थैंक्स। Would you like to have something to drink? Coffee? नहीं नहीं जी, आपके दर्शन हो गए, और क्या चाहिए? Actually, मैंने आपकी स्क्रिप्ट 3 बार पढ़ी। It's okay, please. I'm really sorry, विशाल। एक और स्क्रिप्ट पर डिस्कशन चल रहा था तो उन्हें मना करने के बजाय तुम्हें मना कर दिया। I'm really sorry about that. कोई बात नहीं। कहीं और चलकर बैठना चाहोगे या यहाँ कंफर्टेबल हो? हाँ यहाँ पे चलेगा मैम। ओके तो जैसा मैंने कहा मुझे सिनॉप्सिस अच्छी लगी, बल्कि मैं पायलट फिल्म भी देख चुकी हूँ। आई रियली लाइक दैट, इट्स वेरी नाइस। उसमें जो एक्ट्रेस है वो कौन है? वो मेरी बहन है, मतलब कजिन है, मीना नाम है। ओ या उसे क्यों रिप्लेस कर रहे हो? बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। वो अच्छी तो है लेकिन मैं होंगी फिल्म में तो ज्यादा कमाई होगी ना? नहीं 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 ऐसा नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर आप ही के लिए लिखा है। ओके। स्क्रिप्ट वैसे तो तैयार ही है लेकिन कुछ कमियों को सुधारना बाकी है। 80% काम हो गया है, बाकी हो जाएगा। कोई बात नहीं, जितनी तैयार है उतनी सुना सकते हो। ठीक है। बाकी जब तैयार हो जाए तब सुना देना। शायद कहानी सुनते वक्त तुम्हारी कजिन को ही इमेजिन करूंगी मैं। क्या नाम बताया उसका? मीना। मीरा ना, बहुत टैलेंटेड है। सुनने में कहानी थोड़ी कच्ची पक्की लग सकती है लेकिन कहानी का फ्लो समझा देता। ओके। हाँ
तो पहला शॉट है। दिन मेरी भी ऐसी बड़ी सी फोटो लगेगी। वाओ कितना। देखो बेटी, माँ की ममता अंधी होती है, बाप के उसूल नहीं। उसके लाड ने ही तुम्हें बिगाड़ा है। वो तुम्हारी लापरवाही पे पर्दा डालती थी, पर मैं सजा दूंगा। असल में मुझे तुम पर भरोसा नहीं, इसीलिए तुम्हें हॉस्टल में नहीं घर पर लाया हूं कि शायद यहां रहकर तुम सुधर जाओ। याद रखना, तुम एक प्रिंसिपल की बेटी हो तो अपने भविष्य के लिए नहीं, मेरी इज्जत के लिए अच्छे नंबर लाना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। ट्रिपल आर यानी रॉकी, राहुल और रैम्बो, मिलिए राहुल से, फुकरों का लीडर जो इतना लापरवाह है कि खुद की किडनी को भी नाई की दुकान में छोड़ाएगा। आज ये अपना फोन कहीं भूल आया है और पूरी मंडली उसकी खोज में लगी हुई है। और ये रहा रमेश बाबू उर्फ रैम्बो। लड़कियां घुमाने की उम्र में फोन घुमाता रहता है, तूने आठवां फोन घुमाया मास्टर, इसमें पॉकेट लगा के। और ये गैंग का आखिरी हिस्सा राकेश उर्फ रॉकी। क्या रे, इधर कोई फोन मिला क्या? सुबह टपरी भी गया था, खारी की बर्नी में गिरा होगा। तो अरे बर्नी में होता तो नेटवर्क कहां से मिलता, घंटी बज रही है। अबे पाताल लोक में खो दिया क्या फोन? ए बट सुन ना, ये ढापनी मंडली मेरा मोबाइल देखा क्या? अबे टांग हटा, कोई तो उठाओ। बस उठा दे, टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। बट बात सुन ना, अब उनका फोन देखा क्या? इसकी मां का बोल। अरे खाली भोकर टपरी पे तुम लोगों ने इतना लफड़ा किया, कल से उधार की जाए किधर पिएंगे? अबे चोमू कहीं के। ये तीनों पूरे शहर के सबसे फुकरे लड़के होंगे। अरे ताऊ पैर हटा ले, अबे नीचे देखना, मसाला में हड्डी कहां से आ गई? नीचे कोमल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कोमल मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा क्या होगा? मुझे मौका तो दो। तुम आदमी लोग जानवरों की तरह कहीं भी शुरू हो जाते हो। जाओ नहीं तो घर के पास बिजली की तार छोड़ दूंगी। अरे चैन से हल्का होने देना, नहीं तो तेरे पे फवारा छोड़ू क्या? तू क्या घूर रहे रे मेंढक? माँ बहनों को भी ऐसे ही घूरता है? हाँ हाँ मत कर, मेरी हाय लगेगी तेरे को। भाई कहीं तूने तो मजबूरी में आकर नहीं चुरा लिया ना? कैसे बदतमीज लड़के हैं, सुधरने का नाम ही नहीं लेते। हमारे ठेके पे ढूंढते हैं। बताओ अंकल एक फूल। अबे तू हट। ये ले यूनिफॉर्म पहन। When pressure is constant, volume is directly proportional to temperature. पढ़ाई लिखाई होगा, ये बताओ फोन वोन तो नहीं पड़ा इधर? सर ये आपकी बेटी है? तुम्हारा नाम क्या है? मित्रा। फॉर्म जल्दी से फिलअप करो और क्लास में जाओ। बरसाती मेंढक इतना उछल क्यों रहे हैं? बारात में नाच रहा है, बारात में नाच रहा है, जेब से फोन गिर जाएगा, फिर बाप की गालियां खानी पड़ेगी। फोन घुमाता पर से धक्का मारता तिहरी तो पढ़ाई नहीं करेगा, चलेगा, लेकिन फोन घूमना नहीं चाहिए। मेरे को लापरवाही पसंद नहीं है, समझा? याद रख। चल बस रे। ओए शिकरे, कुछ खाने के लिए आइयो, अभी आते हैं। अपना टॉक टाइम वसूलने के लिए तुझे रिचार्ज कर गया। ये जब भी फोन घुमाता है, अपना गुस्सा किसी दूसरे पर ही निकालता है।
अपनी तो पाठशाला मस्ती की है पाठशाला अपनी तो पाठशाला पाठशाला में मस्ती करता है तो पढ़ाई कहाँ करता है तू बापू ये बता फिजिक्स में कितने नंबर लाया तू केमिस्ट्री से ज्यादा हाँ और केमिस्ट्री मैथ से ज्यादा और मैथ्स में तो पक्का फिजिक्स से ज्यादा आए होंगे आपको कैसे पता मैं तेरा बाप हूँ मैं जानता है इतने बड़े बड़े जीरो आए हैं कि तेरा नसीब भी जीरो हो जाएगा सोचा था अच्छे नंबर लाएगा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तू तो किसी लायक नहीं निकला बाप रे प्लीज पास कर देना मेरे पिता बीमार है तू भीख मांग रहा है यहाँ बाप बीमार है ऐसा कोई पेपर में लिखता है क्या बेशर्मी में फर्स्ट रैंक लाएगा तू और तेरे निकम्मे दोस्त सेकंड थर्ड रहेंगे लगता है उनका फोन भी आ गया इतने अच्छे मार्क्स आए हैं अब तो पावरी होगी इनसे पीछा छूटे तो सुधरेंगे हेलो हेलो अबे यार उसके बाप ने फोन बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया ए राहुल घर पे बता दिया ना फोन गुम हो गया अरे मत बताना यार तेरा खड़ूस बाप तुझे छोड़ेगा नहीं बॉम्ब के पल्लू में जाके छिप जा वो उनसे डरते है ना यस यस तेरा फोन कहां है क्या बापू तेरा फोन मेरा फोन चाहिए हाँ चाहिए तेरे बाप ने रहम खाके नया फोन दिला दिया आए का रहम रे दो फटके दिए फिर दिलाया अगर बाकी के पेपर घर पहुंच गए ना तो मुझे मार डालेगा ठीक से ढूंढ चल इसकी आंख दो मार्क्स आए अबे पूरा दिन लगाऊंगी क्या जल्दी करो अरे पेपर नहीं मिल रहे तेरा मिल गया बोल कितने मार्क्स मिले पगल वाले स्कॉलर से छापा पक्का फुल मार्क्स आएंगे चल रख देता हूँ अभी रुक कितने मार्क्स आए मेरे को तीन मार्क तेरे से तो ज्यादा ही है क्या बोला टंग स्लीपिंग रे चल ठीक है अबे एक बंदी आ गई है जल्दी आओ रॉकी का पेपर नहीं मिल रहा है उसको खाली डेढ़ मिला है डेढ़ साढ़े तेरे को मार्क्स भी डेढ़ मिले बाबा चार पांच पेपर और निकाल ले वरना टीचर शक करेगी सही बोला रे गेंद शायद दस पेपर मिला कि नहीं पेपर अबे चुप नहीं एड़े ये नई चिमनी कौन है रे पता नहीं बस अपने काम में चोंच ना रहा है चुगली तो नहीं करेगी अबे इतनी विल्ली थोड़ी होगी कौन है पता है क्या प्रिंसिपल की लौंडी शक्ल से तो नहीं लगती अबे खड़ूस की बेटी होगी किसे पता था अबे पर ऐसा कैसे हो सकता है अबे मुझे कैसे पता होगा नहीं रे अरे हद यार ये कॉलेज में आ भी गई और हमें पता नहीं हम कॉलेज से ज्यादा नाके पे बैठते कैसे पता चलेगा सुना है क्या अपनी क्लास में वहाँ भी कभी नहीं दिखी अबे उसने हमें पेपर चुराते हुए देख लिया है सबके सब पकड़े जाएंगे कुछ कर तुम्हारे बस की नहीं मैं बात करता हूँ तू साइड ही रहो साइड में रहे ना अबे फट रही है उसकी राहुल अबे बेइज्जती हो गई वो भी ऐसी वैसी नहीं भयंकर वाली खुद को हीरो बोल रहा था देखो तुम स्कॉलर टाइप की हो हम फेलियर्स का दर्द नहीं समझोगी जब बापू ने पहली बार दसवीं का रिजल्ट देखा तो हॉरर फिल्म की डायन की तरह चीखा चीख सुन के दादी को अटैक आ गया तुम जॉइंट फैमिली में रहती हो मेरी भी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी पर हर रिजल्ट एक बुजुर्ग की बलि ले लेता बापू चीखते ना ना नानी दादी टपकते रहे ये क्या ज्ञान दे रहा है रे कब से कहीं अपनी आंसर शीट तो उसे पढ़कर नहीं सुना रहा टोटल चार लाइन तो लिखी थी वही तो अपनी फिजिक्स टीचर है ना पूरी सटक है जलती है वो मुझसे क्या है कि हीरो टाइप लड़का एक मई हो ना क्लास में पेपर ना लेने के लिए क्लास बंक किया तो घर पे भिजवा देगी तुम नहीं हो ना उस चुड़ैल को नहीं जानती खुन्नस निकालने के लिए कुछ भी करेगी पेपर घर पहुंचा तो बापू फिर चीख उठेगा और फिर किसी बुड्ढे का विकेट गिर जाएगा इसलिए सच्चाई की पीपड़ी मत बजाना भूल जाओ कि हमने पेपर चुराया है अगर तुमने टीचर को बता दिया तो फिर कोई बुड्ढा टपक जाएगा ना अभी ये डर रही है कि डरा रही है पेपर ठीक से छुपा कर रखना अबे मुझे पहले से पता है अरे वो तेरे को ताड़ रही है बोला था इसको आंखों में मत देख प्यार हो जाएगा पगली मेरे पे फ्लैट हो गई है एकदम वसब में बैठ किसी को शक नहीं होना चाहिए हाँ समझ गया तुम्हारी सारी कुकू निकलेगी आज पेपर्स देने वाली हूँ बैठ जाओ ओके मैम वैष्णव यस मैम अच्छे मार्क्स आए हैं कीप इट अप राहुल क्लास में दो राहुल है क्या नाम ठीक से पढ़ो ना टीचर बिहेव योरसेल्फ इधर आओ किसी और का पेपर होएगा 100 मार्क्स का पेपर बस दो शीट में लिख डाला अबे इसको जुड़वा पेपर कहां से मिला दिखा ना टीचर हीरो देख पूरे 2 मार्क्स लाया है
इतना खुश मत हो, 5 में से 2 नहीं 100 में से 2 आए हैं। इतना अच्छा आंसर, ये फिजिक्स है या खाना खजाना की रेसिपी है? ये क्या लिखा है, चाट इमली मसाला? E is equal to MC square का फॉर्मूला। एक दू क्यों? आया बड़ा क्रिएटिव। चल टफर, जाने कहां कहां से आ जाते हैं। पृथ्वी, अबे ये पेपर का झोल हुआ कैसे, समझ में नहीं आ रहा। सॉरी मेरे भाई, अबे तीनों के पेपर गुम होते ना तो उसे शक हो जाता, इसलिए तेरा पेपर वापस रखना पड़ा। अबे पलटी बस, फॉर्मूला बताता हूँ तेरे को। राकेश उर्फ रॉकी, आंखें क्या फट रहा है, इधर आ। पहले अपना बटन बंद कर। नॉनसेंस, तूने अपना पेट नेम क्यों लिखा है? अरे मैडम, मुझे लगा आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। अगर तू नाम नहीं भी लिखता ना, मैं तो भी पहचान लेती कि ये तेरा पेपर है। चल अपने मार्क्स गेस कर। अरे मैडम, 1 या 1.5 तो आया होगा पक्का। वाह वाह, क्या रेंज है, 1 या 1.5। ये एक्स्ट्रा शीट में अलग इंक में क्यों लिखा है? पेपर तो घर ले गया था मैडम, क्लास के बाहर बैठ के लिखा। नॉनसेंस, दोस्त की वाट लगाई ना इसने। तू डर मत, आपू ने तेरा बदला ले लिया है, उसका पेपर वापिस रख के। शाबाश मेरे शेर। राम बाबू, सॉरी बाबा, अभी दोस्त कमी ना नहीं होगा तो और कौन होगा। राम बाबू, कम नॉट मैडम, तेरी बातें हो गई है तो जल्दी इधर आ। अरे रे रे, एक बच्चे का बाप दिख रहा है, ये दाढ़ी क्यों नहीं काटता? कबीर सिंह जैसा दिखना था मैडम, लड़कियां मर मिटती है ना उस पर मैडम। लड़की पटाकर तू करेगा क्या, हर सब्जेक्ट में फेल है, बस रात को घर जाकर मुफ्त की रोटियां तोड़ लेना और कोई नई फिल्म देख लेना। आया बड़ा कबीर सिंह, इसकी आरती उतारनी चाहिए, तीनों में सबसे हाईएस्ट है। नॉट मेंशन मैडम। नॉट मेंशन नहीं, मेंशन नॉट होता है, चल दफा हो जा। जितनी निकल, पढ़ाई के नाम पे बड़ा धब्बा है। सुन रे, पेपर्स पे अपने पेरेंट्स की साइन लेके आना, खुद की नहीं पेरेंट्स की। हां देखेंगे। उषा श्री मैम, सजने सवरने पे कम और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे। दोस्त खजाने जैसे होते हैं ना, उन्हें गाड़ी देना चाहिए। किस्मत ही खराब है मेरी भी। मैम मुझे पेपर नहीं मिला। मैम मेरे को भी पेपर नहीं मिला। मैम मुझे भी नहीं मिला। मैम मुझे भी पेपर नहीं मिला। मैम मेरा नाम रमेश है और इसका नाम सुरेश है, हमें भी पेपर नहीं मिला। मैम मैम मुझे भी पेपर नहीं मिला। इन सब लोगों को पेपर अभी बाहर मिलेंगे। क्यों, क्या हुआ बे? बेचे ना चने वाले को। ए, इसका पेपर तो हमने लिया नहीं था, फिर कहाँ गायब हो गया? अरे आपने को क्या यार, तुम सबके पेपर नहीं है? आर यू श्योर तुम लोगों ने एग्जाम दिया था? यस मैम। पेपर, अबे बम्मा है, ये तो चालू चंडाल निकली, खुद अपना पेपर चुराई। कसम से बोलता हूँ, प्रिंसिपल तो इसका बाप नहीं हो सकता। तो चमन चोर की बेटी है क्या? है, चोरी करती है। है, है, पलट, पलट। चुपचाप पेपर देखा, नहीं तो तेरा भांडा फोड़ता हूँ। ए राहुल, क्या कर रहा है? कुछ नहीं मिस, काउंटिंग मिस्टेक। हाँ हाँ, 2.5 नंबर काउंट करना कितना मुश्किल काम है ना। आया बड़ा खड़ूस। जल्दी पेपर देगा। आधा मार्क मिला भाई लोग, उसको आधा मार्क आया। और मैथ्स में कितना? 44 है, सिर्फ 4 है। फोन दो लड़की, पढ़ाई नहीं करती क्या? क्या बोल रहा है? सॉरी, मस्ती कर रहा था, टेंशन मत ले, मैं मैथ सिखाऊंगा तेरे को। 100 में से 2 मार्क्स आए हैं और दूसरों को सिखाएगा। केमिस्ट्री में भी लुढ़क गई। मित्रा जरा बाहर आ। मित्रा, मुझे पता है तुझे कितने मार्क्स आए हैं, जरा पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, नेक्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स आने चाहिए। मैडम क्या टेंशन दे रही होगी रे इसको। अरे दे रही थी, लेकिन ये कहाँ ले रही थी, हमारी तरफ आ रही है। ए, बहुत पकाई होगी ना, बोला था ना पूरी सड़क है। देख कैसा शुरू हो गया। बोलना क्या बोली तेरे को? उन्हें याद था मुझे कितने मार्क्स मिले। हम लोग ने उसका इतना भेजा खाया, फिर भी उसका भेजा इतना सॉलिड, इतने सारे बच्चों में तेरे मार्क्स नहीं भूली, कहीं मार्क्स रट्टा तो नहीं मारती है? प्लान बदलना पड़ेगा। ये क्या तेरे पास? क्वेश्चन पेपर 5 बार सॉल्व करने बोला है। शादी में ये क्या, और कोई काम नहीं है? सास का गुस्सा स्टूडेंट पे आके निकाल दिए। बोलना उसको छोड़ने को जल्दी। बंदी है रैम्बो, छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा पेपर टीचर के पास कैसे आया? यू आर अ गुड क्वेश्चन।
क्यों बे, बता दूँ इसको। अबे ये तो पोल खोलने वाला है। जब दोस्त ऐसे मिले हो ना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। पर अब तुम्हारे घर वालों का क्या? सबके कान में रुई ठूस दूंगा, बापू की चीख फिल्टर होकर कम असर करेगी। ओ। चल ये सब छोड़, हमारी इज्जत का फलूदा क्लास में किया और तुझे बेइज्जती का लड्डू अकेले में खिलाया, ऐसा क्यों? क्या हो रे, मुंह का शटर खोल। मुझे तो लगता आज ये पिटके रहेगा। मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। मालूम है। अरे तुझे हंसी भी आती है। बिंदास हंस। फेल होने पर ये इतना हंस रहा है, अगर गलती से पास हो गया होता तो पूरे कॉलेज में शर्ट उतार कर नाचता। मेरे को देख, पिछली बार 1.5 मार्क्स आए थे, इस साल 2.5 आए हैं। तेरे भी आएंगे। कल की छोड़ आज की सोच, जरूरत पड़ी ना तो रिजल्ट में मार्क्स बदल देंगे। अरे क्वेश्चन पेपर ही चुरा लेंगे, टेंशन मत ले, बहुत तकड़ा है मेरे पास। तू अभी अपनी पॉइंटर है, समझी ना? अबे वही तो, इसकी कुंडली में तो सिर्फ बंदे लिखे। मित्रा मालूम है रे, टीचर ने नाम लिया था ना, उसे इंट्रो थोड़ी बोलते हैं। ओह नाइस टू मीट यू, हम है ट्रिपल आर। ट्रिपल आर? राहुल रॉकी रैम्बो। इधर अबे चल, पता नहीं इसने क्या फिल्म बनाई हमारी। ये मित्रा, हाथ धोया है ना? हेलो। चलो हाथ मिलाओ मित्रा से। मित्रा मैं ठीक हूँ। हाय मित्रा। प्रिंसिपल की बेटी है वो। पिक्चर देखने चलती क्या? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, मेरा कर्तव्य है आपकी आज्ञा का पालन करना। ठीक है पुत्री। ऐसा लग रहा है भाई। क्या हो रहा है? वो सर कुछ लाल कार। ए कौन दो मुझे, जाओ यहाँ से। चलो भाई लोग रद्दी पार्टी करते हैं। अबे हंसवा छुट्टा मिला। रा ये दिन में किसके सपने देख रही हो? और मासूम कैसे हैं? प्रिंसिपल साहब, ये मेरी बेटी है। अच्छा आपकी बेटी है, इसे ट्यूशन चाहिए। मैं ट्यूशन दे दूंगा। अरे ये सब मेरे बच्चों की तरह हैं। कैसे हो बच्चों? अच्छा बताओ आखिर तुम्हें किस बात का? दिन देर को पूरा शहर घुमाओ। हाँ। इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहा है? बेचारी फिजिक्स में थोड़ी कमजोर है ना, तो उसकी मदद कर रहा हूँ। हाँ। बेटा भले ही कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, तुझसे तो बेहतर ही होगी। अरे बस क्या बापू, आपको पता है आइंस्टाइन कौन था, किस गांव का था, खाने में चावल खाता था कि रोटी? मेरा नॉलेज बहुत ज्यादा है बापू, मैं बस दिखाता नहीं हूँ। मैं तो बोलता हूँ हाथ दिखाओ और स्कूटर का कान मरोड़ कर सीधा घर जा, मुड़ के मत देखना। एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर दिया तो था तेरे को, कुछ तो लिखती। ऐसा एग्जाम देके क्या मिलेगा, पढ़ाई में मन तो लगना चाहिए ना। पढ़ाई और मेरी नहीं बनती। तो तेरे बापू को बोल दे। बोला था पर उन्हें तो अपनी औलाद नहीं औधा ज्यादा प्यारा है। देख लाइफ में पढ़ाई जरूरी है पर बिना डिग्री के भी लोग बहुत कुछ उखाड़ते हैं, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे डांस में इंटरेस्ट है। देखने में तू जानता नहीं है मैं स्टेट लेवल भरतनाट्यम डांसर हूँ। मेरा नाम तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। जब तक माँ के साथ थी तब तक सब ठीक था। उनके जाने के बाद पापा का टेप बजता रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तेरे मम्मी पापा अलग रहते थे? डाइवोर्स हो गया था। अभी मम्मी किधर है? 6 महीने पहले ब्रेन ट्यूमर के कारण चल बसी। मैं बेघर हो गई थी इसलिए मजबूरन पापा के पास आना पड़ा। मैं लाख कोशिश करती हूँ यार पर पढ़ाई समझ में नहीं आती है और पापा मुझे समझ नहीं पाते। माँ को डांस से बहुत प्यार था और उनकी तरह मुझे भी बहुत है। मैं भी डांसर बनूंगी। बाबू मैं ATTT की फीस भरनी है। वो ATT नहीं AITEE होता है। मालूम है, टाइम बचाने के लिए ऐसा बोला, अभी जल्दी पैसे दो ना। निकम्मे, पिछले हफ्ते ही तो फीस भरी है। वो IIT मेंस के लिए थी।
एक काम कर, ये घर बार बेचकर सारा पैसा एंट्रेंस एग्जाम में फूंक दे। निखट्टू पहले बारहवीं तो पास कर ले। बापू तेल पिलाने से ही लाठी मजबूत होती है। मैं तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी हूँ, पैसों का तेल तो पिलाना पड़ेगा ना। माँ 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 के नाम से डरा मत, मैं डरने वाला नहीं हूँ। शर्ट की कमीज में से ले ले जा। थैंक यू बापू। अच्छा सुन, आज कॉलेज में दर्शन देने आऊंगा मैं, फीस मेरे सामने ही भरना। फीस कॉलेज में नहीं भरने की है, कहीं और भरने की है। और वो जगह वहां से बहुत दूर है, कहा इतनी दूर आएंगे। मैं रसीद ले आऊंगा। हर बार नहीं गोली देता। सोचा तेरा बाबू इन्हें हड़च के फेंक चुका होगा, इसलिए ले आया। अभी थैंक यू बोल के दोस्ती पे लाफा मत मार, कट्टी हो जाऊंगा। राहुल मत बोल, मत बोल। अरे दूसरा वाला तो दे। बोलना मत, नहीं दिया। वो बड़ हो गया। सॉरी यार। ये मेरी माँ और मैं। कहाँ से आ रही है मित्रा? वैसे मैं भी वहीं से आ रहा हूं। ये बताओ केमिस्ट्री में कितने मार्क्स मिले तुम्हें? अभी तक पेपर मिला नहीं है। ओह, तो ये क्या है? लास्ट वार्निंग, आखिरी बार माफ कर रहा हूं, आइंदा नहीं करूंगा। मुझे ट्यूशन नहीं जाना है। क्या कहा? मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी। हाथ उठाया, बर्थडे के दिन तुझ पे हाथ उठाया, सटक पप्पू। उनको पता नहीं था मेरा बर्थडे है। याद नहीं? अबे असली बापी ने तेरा कैसे फालतू आदमी को प्रिंसिपल बना दिया, खुद की बच्ची का नहीं सोचता, पराए बच्चों का क्या सोचेगा, सटक पप। सॉरी हाँ, गाली नहीं देने का था, पर कंटर आउट हो गया मेरा। तू बिंदास बोल, मैं तो वैसे भी नहीं बोल सकती, तेरा बाप थोड़ी है, तू बोल सकता है। कड़वा छापड़ी का झंड फकीर की डैश में गिल्ली और डंडा भी, पूरा का पूरा तरबूज। ये शांति खुश। लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत सारे शेड्स हैं उसमें। थैंक यू। ट्रैवल करते हुए तो स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, पर ये तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और मुझे भी पता चल रही है। दिस इज रियली गुड। थैंक यू। अगले दो दिनों में मैं आगे का अपडेट देता हूँ। हाँ ओके, थैंक यू। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी, तुम्हारी फैमिली ने कभी तुम्हें फिल्मों में जाने से रोका नहीं? एक्चुअली 3 साल की मोहलत दी है मुझे, कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप नौकरी कर लूंगा। ओह, तो 3 साल पूरे हो गए? नहीं, अभी 1 साल ही हुआ है। कभी ऐसा लगता है तुम्हें कि इससे तो बेहतर है जॉब ही कर लेते, फिल्म लाइन का कोई भरोसा कहाँ है? मैंने अपनी डिग्रियां जला दी। अपनी डिग्रियां जला दी, पर क्यों? उनका सहारा इरादे कमजोर कर रहा था, अब डिग्री नहीं है तो नौकरी का भी सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर जीना है तो फिल्में बनानी ही पड़ेंगी। तो पर ये तो बेवकूफी हुई, अगर कामयाब नहीं हुए तो? ना, कामयाब तो मैं नौकरी में भी हो सकता हूँ, कामयाबी कागजों में नहीं होती, माथे के पसीने में होती है। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर अगले ही दिन मेरा ऑटोग्राफ। मेरा क्यों चाहिए? ओके, पहला ऑटोग्राफ है। ओह वाह, जो चेंजेस बताए थे उस पर मैंने काम किया है। तो तुम समझ गए? हाँ समझ गए। हाँ नहीं, वैसे कहानी बहुत ही अच्छी है, तो चले।
ये हा? मेरा एक दोस्त है मैम। हाय मैम। हाय। एक सेल्फी हो जाए। या या। प्लीज, इट्स ओके। थैंक यू मैम। एक और प्लीज। अरे लेना। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बाय। थैंक यू बाय। बाय। हेलो। बेटा मैंने किताबें भेजी थी, मिली? हाँ पापा। बढ़िया। पर मैंने तो मांगी नहीं थी। बेटा आज तक तुझे कुछ मांगने की जरूरत पड़ी है? बिना कहे समझ जाता हूँ कि तुझे क्या चाहिए। डायलॉग तो मुझसे भी अच्छे मारते हैं। तेरा बाप जो हूँ। अच्छा किताब खोल के देखा? नहीं अभी खोली नहीं। तो खोल ना। इसकी क्या जरूरत थी? पैसे चाहिए होंगे तो मांग लूंगा। नहीं मांगेगा, मैं तुझे जानता हूँ। अच्छा तेरी मीटिंग कैसी रही बेटा? हाँ अच्छी थी पापा। अपनी तरफ से मैंने मेहनत तो की है। अच्छा? और हाँ शालिनी को कहानी पसंद है। मुझे निकलना है, ले अपनी माँ से बात कर। हाँ ठीक है पापा। हेलो। हेलो माँ। हाँ बेटा। पापा कहाँ जा रहे हैं? वही काम से, चार शहरों में कैंप लगाना है। ओह ठीक है। तू बता बेटा खाने में क्या खाया था? हेलो हेलो माँ, मैं आपको फोन करता। हेलो। हाय विशाल सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मीटिंग कैसे चल रही है? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। गुड गुड। उन्हें कहानी बहुत पसंद आई। नाइस। और स्क्रिप्ट कहाँ तक पहुँची? स्क्रिप्ट हेलो समझ लीजिए तैयार है सर। हिट है। शालिनी का नंबर भेजो, मैं उनसे बात करता हूँ। श्योर सर, मैं एसएमएस करता हूँ। एक बात और, मैं हफ्ते भर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा बाहर जा रहा हूँ। हाँ मुंबई से बाहर। तुम स्क्रिप्ट पर काम करो, मैं आकर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ चलेगा, डन सर। चलो बाय बाय। अबोल मित्र। हेलो मित्र। क्या हुआ बोलना मित्र, कुछ तो बता, रो क्यों रही है तू? बस क्या मैं दोस्त नहीं हूं तेरा? मेरी कसम बोलना। सम सॉल्व कर लिया? यस सर। ओके जरा दिखाना तो। वेरी गुड। अकेले वहां पे रुकी काय को? क्योंकि एग्जाम सर पे है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा स्टडी के लिए रुकने को कहा। किसने? तेरे बाबू ने। एक तो इसका बाप सांप बन के जिंदगी में जहर घोल रहा है। अब जा बता उसको, एक्स्ट्रा स्टडी के चक्कर में वो बुढ़ा एक्स्ट्रा फ्री हो रहा है तेरे साथ। जा बोल। डर के टकला बताया। मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ कोई नहीं था, तुम्हारी मां भी नहीं। तब वही एक नेक इंसान था जिसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। और तुम ट्यूशन से बचने के लिए उस महले आदमी पर घिनौना इल्जाम लगा रही हो? शर्म नहीं आई? कोई भी लड़की ऐसे झूठ क्यों बोलेगी राहुल, जिसका बाप ही साथ ना दे? उस लड़की का तो सब फायदा उठाएंगे ना। टीचर की हरकतों से ज्यादा पापा की बातों से तकलीफ हुई। तो घर छोड़ दे, मजाक नहीं कर रहा हूं, छोड़ दे अपना घर। कहां जाऊंगी मैं? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूं ना तेरा।
अबे तुझे तेरे ही घर वाले पालना नहीं चाहते और तू घोंचू उसको साथ में पालने की बात कर रहा है क्या? बता वो क्या करेगी, कैसे रहेगी, तेरे को सब कुछ हलवा लगता है क्या रे? उसकी दादी और अक्खी फैमिली 2 महीने में हैदराबाद आने वाली है। बस 2 महीने की बात है, फिर दादी के साथ रहेगी। अबे तो अभी कहाँ है वो? अमेरिका में। अरे तो दादी को फोन करना, तू काहे को इन लफड़ों में पड़ रहा है? अबे उसके हलकड़ बाप को भनक भी पड़ी तो फाचड़ कर देगा यार। अरे करने देना, आपस में भिड़ेंगे, अपने को क्या? अबे पावली कम, बात को समझ। प्रिंसिपल गाली देके सबको भगा दिया तो फिर मित्रा का क्या है? जिंदगी भर बाप के गंदे साए में जिएगी। अरे तो भड़क काहे को रहा है, जब दादी आएगी तो मित्रा साथ में जाएगी उसके। हाँ सही है, तब तक उसका बाप रोज जबरदस्ती ट्यूशन भेजता रहेगा और उसका टीचर रोज उसके साथ जबरदस्ती करता रहेगा और हम तमाशा देखेंगे। देख भाई, हमें बस 2 महीने का झोल करना, उसके बाद तो उसकी दादी आ ही रही है, सही कहा ना? अबे ये बता, उसके खर्चे कौन उठाएगा? खर्चे भाई तो गाड़ी अटकी है, बापू से मांग के देखूं क्या? हाँ मांगना, वो दे देंगे, पैर की चप्पल घसीट के मुंह पे देंगे तेरे, चला बड़ा हीरो बनने। ओए रैम्बो, तू अपने बाप की बाइक बेचना। मेरे काय को तेरे बाप की बेचना? अबे उसकी बाइक खटारा है। हाँ तो मेरी शोरूम से निकली है, बाटले में उतरने की ट्राई मत मार। चल भाई, अपन मानता है कि मित्रा के साथ गलत हुआ है, लेकिन मेरे को तो इतना फील्डिंग लगाने का जरूरत नहीं लगता है रे। ठीक है, तू गलती मार, मैं दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, तेरी किडनी बेच देते हैं। अरे तो तू बेचना अपनी किडनी, मेरे को क्या बिक्री केंद्र समझ के रखा है क्या? तेरी सोचना दुनिया की सबसे गंदी सोच है। अच्छा ठीक है, तू कुछ नहीं बेचेगा। ओके, पैसा कहाँ से लाए? किसी को ब्लैकमेल करें क्या? ब्लैकमेल करें, लेकिन किसको? अबे बहुत बकरे मिलेंगे, लोग कांड करते हैं फिर छुपाते हैं बदनामी के डर से। किसी का शादी के बाद नाजायज संबंध तो होगा ही ना, ऐसा कोई बकरा किधर मिलेगा? ऐसा तो हजार बार बोल चुका हूँ, दैट आंटी ओनली फ्रेंड ऑफ माय पापा। अरे भाई क्यों दिल पे ले रहा है तू? मुझे पता है दुख होता है, बाप की सेटिंग है और बेटा नल्ला फकीर। ये बाप के बारे में उल्टा पुल्टा बोल मत। अपने को पैसा चाहिए पर बिना किसी लफड़े के, अपना नाम कहीं पे नहीं आना चाहिए, दिमाग लगाओ रे। मुझे किडनैप कर लो। किडनैप? अरे अगर इसमें लफड़ा हो गया तो? कोई लफड़ा नहीं होगा, मेरे पापा पैसे दे देंगे। तेरी खिसक गई है क्या? पुलिस केस हुआ तो हमें डिग्री नहीं मिलेगी। अरे कुछ भी नहीं होगा, वो दादी से डरते हैं, उन तक बात पहुंचे नहीं इसलिए किसी को नहीं बताएंगे। तेरे पास इसकी क्या गारंटी है कि? अरे एक मिनट, एक डाउट है बेटा, पुलिस केस छोड़ डिग्री के लिए पास भी तो होना पड़ेगा। तेरी तो क्या संस्कारी लग रहा भाई। अबे इसकी बात कर, अपने को खाली पीली पंगा नहीं चाहिए। हाँ भाई पंगा नहीं, गाड़ी चाहिए। मनीष के पास बहुत है, एक ले लेंगे। मतलब डन हो गया क्या किडनैपिंग करने का? लेकिन बिना सबूत वो कैसे मानेगा कि तू किडनैप हुई है? वो प्रिंसिपल है, कोई एटीएम का चौकीदार नहीं। नौकरानी को गवाह बनाएंगे, वो मसाला लगाकर बताएगी। हैं? क्या बोल के साथ लाएगी? कमोलिका मेरे साथ पिक्चर देखने चलेगी। मैं बॉलीवुड पिक्चर नहीं देखती दीदी, खाली साउथ डब देखती होगी। अच्छा सुनना, मेरे साथ शॉपिंग पे आएगी क्या? मैं वहाँ बोर हो जाएगी दीदी। जो औरत शॉपिंग के लिए मना कर दे वो औरत नहीं, देवी है भाई। कमोलिका इज राइट, कुछ और सोचना। कमोलिका चलना, मस्त आइसक्रीम खाने चलते हैं। मस्त है ना, एकदम झकास। Ha ha ha!
तेरे को बहुत मजा आया दीदी। अबे रॉन्ग नंबर। कौन है रे? सॉरी दीदी, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था। वो तो है, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, मेरी बात सुननी नहीं हो। टाइम नहीं हमारे पास, आइसक्रीम आइसक्रीम छोड़, मुझे बचाना, मदद करो। ये भाई कोई लोचा तो नहीं होगा ना? रे नहीं होगा ना, सोच। हो गया किडनैप, अब क्या? फोन अ फ्रेंड करेंगे प्रिंसिपल को, तो नंबर लगाया जाए। हाँ, अभी नहीं, अभी मीटिंग में होंगे, वो फोन नहीं उठाएंगे। बार बार कॉल किया तो चिंदी लगेंगे। एक और बात, मेरे फोन से कॉल करना। मित्रा यार, तू तो बड़ी प्रोफेशनल है, तू किडनैपिंग का बिजनेस क्यों नहीं करती है? अबे ये पॉपुलर प्रिंसिपल, तेरी जो बेटी है ना हम लोग के पास है, एक काम करे, घंटे में आवाज में दम ला रही। अबे प्रिंसिपल के बच्चे, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है, एक घंटे में। फिरोदी कितना मांगू? तेरे को कितना चाहिए? मुझे मुझे तो 5 लाख चाहिए। हा? तुम लोग अपना अपना देख लो। एक एक लाख। हाँ बढ़िया, इसका भी और तेरा भी, बहुत सही, सब उधारी चुक जाएगी। हाँ हेलो प्रिंसिपल साहब, कान खोल के सुनो, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में, एक घंटे में 8 लाख का बंदोबस्त कर। 8 लाख रुपए? तुमने क्या समझ के रखा है मुझे? शौचालय के बाहर पैसा लेने वाला आदमी, छुट्टे जमा करो राजा। अबे ऐसी आड़ी टेढ़ी बात मत कर रहे, अगर पहचान गया तो पैंट गीली पीली हो जाएगी। मतलब नहीं देगा? नहीं दूंगा। ठीक है प्रिंसिपल, अलग जबान में समझाता हूँ, धमकी किसी और को दे। राहुल अभी फोन कर। हाँ बोलो। हेलो मिस्टर प्रिंसिपल। कौन बोल रहा है? क्यों मेरा आईडी कार्ड बनाएगा? काम सुन, नाम मत पूछ, तेरी बेटी अब उनके कब्जे में। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा अटेंडेंस मत ले, तेरी बेटी एब्सेंट है, वो देख। चलो प्लीज प्लीज मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। चाहते क्या? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। 8 लाख रुपए एक घंटे में, ठीक से सुना ना, 8 लाख रुपए एक घंटे में। पुलिस में अपना टाका फिट है, तू वहां जाके काटा मत बनना। गलती से गया तो नाना नानी पाक से फूल तोड़ के ले आना, फोटो पे चढ़ाने को। आधे घंटे में हम्बल रिमाइंडर दूंगा, फोन चार्ज करके रख। हेलो हेलो। हेलो साहब, कुछ लोग दीदी को किडनैप कर लिए। हेलो सर, सर सुन रहे हैं ना? सर मैं तो बचाने के लिए जान पर भी खेल जाती, लेकिन बहुत दिन बाद आइसक्रीम खा रही थी ना। ये प्रिंसिपल को अपने से ज्यादा जल्दी क्यों है? उनकी क्लास का टाइम हो रहा होगा। नहीं रे, शायद बोलेगा बेटी रख लो, अच्छा टेंशन नहीं है। उठाओ ना। हाँ उठा। क्या है बे? पैसे लेके कहाँ आना है? सही है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी पहले किडनैपिंग है ना, नो एक्सपीरियंस। अब ठीक है ना? चलो मैं भी आता हूँ, बाय। गया तू? हाँ।
अबे बैग किधर है? ये कौन सी बैग में पैसा लाया है? मैंने बोला था बच्चों के बैग में लाने को, टाइम पास के लिए। खा के पैदा हुआ तब मरवाएगा तू। बच्चों की तरह बैग पहन। क्या कहा? बेटी प्यारी है तो बैग पहन। चोमू लग रहा है। साइज छोटा है। अबे चड्डी नहीं पहन रहा कि साइज छोटा है? चुपचाप एडजस्ट कर। आगे बोलो। चल छोड़, माफ किया। चल आगे बढ़। गलती से मिस्टेक हो गई। रुक जा, जल्दी यू टर्न मार। चल अब नाक की सीध में चल। देख कैसा पोपट बना। क्या कर रहे हो यार? अरे क्या हो गया रे प्रिंसिपल? कुछ नहीं हुआ। पैसे कहाँ देने? ए, भड़का तो तेरी बेटी। भड़क नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि पैसे कहाँ देने हैं मुझे। खाओ खुजाओ, बत्ती बुझाओ, आगे जाओ। हटले वटले दाई मुड़के पेड़ के पास बैग रख के कटले। उसको बोला रहा। प्लान सही जा रहा है यारों। ऐसा लगता है गुंडे ने इसे नहीं तुझे किडनैप किया था। कोशिश तो की थी लेकिन बच गया। मित्र, उनके चेहरे पहचान सकती हूँ? जल्दबाजी में कुछ मत बोलो, आराम से सोचो। गलती से कभी तो रुमाल हटाया होगा, उनकी शक्ल किसी से मिलती जुलती होगी। मिलती जुलती मतलब? जल्दबाजी नहीं, टेक योर ओन टाइम। उनके जैसा कोई और याद आए तो बताओ। हाँ, उनमें से एक गोलमाल पिक्चर में पहली वाली याद है जब अजय देवगन दो बाइक्स पर खड़ा होके आता है? ओके। राइट वाले बाइकर जैसा था। और दूसरा वाला कुछ कुछ होता है में जब सलमान खान की एंट्री होती है तो गाना शुरू होता है। उनके पीछे वाले दूसरे नहीं तीसरी लाइन में दूसरे डांसर जैसे। क्या बात है, रुको मत। टाइगर जिंदा है, बाहुबली के दोनों पार्ट, उसमें भी कोई वैसा होगा। जितनी गौर से फिल्में देखती है उतनी गौर से पढ़ाई करती तो आज फर्स्ट आती। आरके, इट्स ओके। तुम्हारे लिए सब ओके होता है। मित्रा, अपने कमरे में जाओ। अच्छा ठीक है अंकल। अंकल वो तीसरा वाला जो था ना? रहने दो बेटी, मत बताओ। उनका हुलिया सुन के मैं अपना हुलिया भूल जाऊंगा। मैं ढूंढ लूंगा, तुम जाओ। ठीक है अंकल। बच्चे के दिमाग पर असर हुआ है, पर शुक्र है वो सही सलामत है। मैं खुश होना चाहिए। किस बात में खुश हूं? ट्यूशन पे भेजो तो उलझुल बहाने बनाकर पढ़ाई से दूर भागती है। कॉलेज में मस्ती ये करती है पर लोगों को लगता है कि प्रिंसिपल को मस्ती चढ़ी है, इसलिए जिसे देखो एक ही बात रटता रहता है कि दूसरी शादी कर लो। कितनी घटिया, कितनी वाहियात सलाह देते हैं। सोचो मुझ पर क्या बीतती होगी। पूरे शहर में बटर कश्ती करती रहती उन तीन लफंगों के साथ। पानी? वो इससे भी बड़े ठीठ है। कितने लोग थे किडनैपिंग में? तीन लोग थे साहब, रुमाल लगाया था, गाड़ी में बिठा कर ले गए। वहां भी तीन? कुछ तो झोल झपाटा है। तू शहर के बाहर जाने वाला था ना? पागल हूँ क्या मैं? कहीं नहीं जाऊंगा।
आर के, जब तेरा ये अक्लमंद दोस्त है तो फिक्र मत कर, तुझा मैं हूं ना। अबे कभी तो टाइम पे आया कर। मित्र ये देख। हाँ? बैग की चोर पॉकेट में सारा पैसा रखा। पर तुम लोग? जो बोल रहा हूँ वो सुन। हैदराबाद में मेरा दोस्त विमल मिलेगा, उसके घर चली जाना। थैली डाल। चाय नाश्ते के लिए ये रख अपने पास। पैसा हमेशा बैग में रखना और बैग अपने साथ। विमल को मत बताना। तुम भी साथ चलो ना। नहीं सबको शक होगा। हम दो दिन में हैदराबाद आते हैं। ए भाई संभाल के चला। चल बाय। बाय। बाय बाय बाय। रॉकी, लोटा लाके दूँ क्या? अबे ये चोमू कहाँ से आ गया? जवाब मत देना वरना अपनी लग जाएगी। अबे ओए, चल निकल। अबे जाना यहाँ से। भाग, चल भाग। लगे रहो, लगे रहो। चला गया चोमू। अरे वो नरम पाँव ने बिना थोबड़ा देख के कैसे पहचाना रे? अबे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लगता है शर्ट देखकर पहचान गया। है? मेरी शर्ट में अगरबत्ती से छेद हो गए थे तो धागा कम था, इसलिए टेलर ने ना शीशे लगा दिए। ऐसी शर्ट उसकी दुकान में भी है। तू भी ना, जिस शर्ट को सब पहचान थे काहे को पहनी वो? अबे छोड़ ना, मैं बोल दूंगा मैं नहीं था, कोई और था। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें, क्यों मार रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे अंकल सुना, हद हो गई, एक अकेले आदमी को इतने लोग मार रहे हो। मैं भी एक दिन अपनी क्लास खोलूंगी। गाड़ी से बैग निकालो। दीदी नहीं आई? क्या बकवास कर रही हो, वो तो घर में ही है ना। नहीं साहब, मेरे को लगा आपके साथ है। तुम्हारे सामने घर से अकेला निकला था, उसके कमरे में देखा। वो दो दिन से घर पर नहीं है साहब। मित्रा, कैसे हुआ ये सब? मैं स्कूटी पर जा रहा था, अचानक मुझ पर हमला हुआ। हमला मतलब? रुमाल बांधे आदमियों ने मेरी पिटाई शुरू कर दी, जैसे उनकी मुझसे दुश्मनी हो। बहुत तबीयत से मारा है सर। हो ना हो वो इसी शहर के थे। कैसे पता इसी शहर के थे? शहर वाले आए दिन तुम्हें फटके देते रहते हैं क्या? जितना पूछूं उतना ही बोलो, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। हेलो। ए शिनू, मित्रा घर में कहीं नहीं है। क्या मित्रा फिर से गायब हो गई? ठीक से ढूंढा ना। अबे दो तो कमरे हैं घर पर, वो नहीं है यार। तेरी बात सुन के मैंने गलती कर दी। रुक, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना यार। तीन लड़के बताए ना। सर सर, वो देखो ये तीनों मित्रा के दोस्त हैं सर। तेरा मुंह इतना उतरा और भाई, अपने को बहुत डर लग रहा है रे। क्यों है, क्या करेगा? क्या हुआ सर? कुछ तो झोल छपाटा है। तीन लोग थे,
रुमाल लगाया था। वो तीनों भी मित्रा के दोस्त है। तीन आदमी थे, डांसर जैसे दिखते थे। हो ना हो वो इसी शहर के थे, रुमाल बांधे आदमियों ने। तीन लफंगे, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। ये तीनों बेकसूर है। हैदराबाद हैदराबाद जल्दी बोलो। अबे आ रहे, रुक जा। अरे तू प्रसाद भाव का बेटा है ना, कहाँ जा रहा है? चितर बस जा रही है। हेलो राहुल। हाँ बोल। कितनी देर में आ रहे हो? शायद 2 घंटे। ओह तब तक तो मेरी डांस क्लास भी खत्म हो जाएगी। कहाँ मिलना है? पहुँच के फोन करता हूँ ना तुझे। सुनना तू सीधा डांस क्लास पे ही आ जा। चल ठीक है। दे जब पर पाड़ के दे दे। जय हो जय हो। क्या रे कितना बड़ा आत्मारा? फूटी कौड़ी का नहीं। क्या बात कर रहे? सिर्फ कपड़े और घुंघरू हैं। चौकरे उठ। उठना। ओए अरे रे 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 चुप 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 चुप। नहीं नहीं कुछ भी नहीं करूंगा मैं, बस तेरे बाप का नंबर दे दे मेरे को। भाई इधर तो मेट्रो है ना, मेट्रो पे चलते हैं आगे। इसमें पंखे नहीं होते, पसीना आएगा। हेलो मेरी बात गौर से सुनो प्लीज, कहीं और जाके भीख मांग, मैं बिजी हूँ। भीख तो तू मांगेगा। किसके लिए मांगूंगा? मित्रा को जोड़ने के लिए। आप बहुत पुराना यारा ना लगता है। अगर मेरे को उससे क्या करने गए, शाम तक मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। सुन बे ये जो खेल खेल रहा है ना, उसके हम एक हफ्ते पुराने खिलाड़ी हैं। कौन है तू? किससे बात कर रहा है? तेरे स्टोरी का विलेन। हेलो क्या हो गया भाई? हाँ The number you are trying to reach is currently switched off. Please try again later. मित्रा का फोन क्यों बंद आ रहा है? क्या बात कर रहा है? हेलो ए, देख झूठ मत बोल। घुमा फिरा के काय को बात कर रहा है रे, सीधा बोलना सबूत चाहिए कि वो मेरे पास है। उसकी फोटो निकाल जरा, उसकी तकलीफ भाई। का टेलीकास्ट देख के माने। सॉरी भाई उसको कुछ मत करो। हाँ तू तो पुराना खिलाड़ी है ना, इसके लिए पुलिस को तो नहीं बताएगा। और मेरे को चिंदी गर्जू किडनैपर मत समझना, मैं बिजनेस मैन हूँ। मैं सिर्फ तेरे भरोसे नहीं बैठा हूँ, अपना और भी सेटिंग है, लड़की बेच के कमा लूंगा। ऐसा मत करना भाई। करूंगा रे अगर तूने 10 लाख नहीं दिया तो, बाकी तेरे मर्जी। हेलो अबे क्या हुआ, किसे भाई बोल रहा है तू? अरे तेरा कौन सा भाई? मित्रा के फ्लैट की चाबी तेरे पास है क्या? नहीं क्यों, क्या हुआ? अभी भी स्विच ऑफ। कर्मों की सजा मिलती है सुना था, पर इतनी जल्दी मिलेगी नहीं पता था। किधर रे? देखना पर्दे के बगल में देख तो। क्या कर रहे हो, ऐसे किसी के फ्लैट में क्यों झांक रहे हो? विमल को ढूंढ रहे थे। कौन विमल? अजी सर बाहर तो आइए। वॉचमैन इतना सारा पैसा लेकर अकेले क्यों भेजा उसे? हम में से किसी एक को साथ जाना चाहिए था, या बैग तो अपने पास रखना था ना। तो खुद बैग रख लेता ना। मुझे लगा हम पैसे का बैग कहाँ से मिलेंगे? उसके प्रिंसिपल बाप को बता दे। हाँ एक काम करना यार, डबल फंस जाएंगे। अरे कुछ पैसों का जुगाड़ कर सकता है क्या? एक खटारा से एटीएम मिला, कुछ चोरी ट्राई करता हूँ। तो ट्राई करता हूँ उसमें से निकालने का। अबे मैं कैसे? तू नाम करो कि असली रॉकी नहीं जो मुक्का मार के एटीएम तोड़ देगा। फोन रख। बहुत देर से आपको फोन कर रहा था भाई। मैं तेरे बुआ का लड़का नहीं हूँ रे जो तेरे से बात करने के लिए पॉकेट में बैठा हूँ। भाई बहुत कोशिश की पर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ।
हमारे पास सिर्फ 10,000 हैं। हम स्टूडेंट्स हैं भाई, गरीब बच्चे, थोड़ा रहम करो। लड़की को बेचू क्या? नहीं 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 भाई, सॉरी भाई, सिर्फ एक दिन का टाइम दे दो प्लीज भाई। ठीक है रे, रो मत। रात को मैं 10 बजे फोन करके बताता है किधर आने गए। जय हो, जय हो। रात तक कैसे भाई? भाई 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 मेरी सॉरी। इट्स ओके। तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और उसके बाद वही कैरेक्टर। इट्स ओके, कर लो आंसर। सॉरी, कोई बात नहीं। अरे माँ, कितने कॉल कर रही हो, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। बेटा सुनना। हेलो माँ। हेलो माँ, क्या हुआ? ये जरूरी कॉल है। हेलो हेलो माँ। हेलो माँ, रो क्यों रही हो? हेलो बेटा, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? सुबह फोन पे पता चला, हम सब हॉस्पिटल में ही हैं, सर पे गहरी चोट लगी है। पापा, पापा ठीक तो है ना? नहीं पता, कोई कुछ नहीं कह रहा, मुझे डर लग रहा है। वो टीमें है, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे। तुम्हारे डैड का नाम? राममोहन। कौन सा हॉस्पिटल? हेलो, डॉक्टर किरण बोल रहे हैं? Yeah. शालिनी बोल रही हूँ। डोंट वरी। ओके, थैंक यू डॉक्टर किरण। नो प्रॉब्लम, बाय। थैंक्स। कह रहे हैं एक छोटा सा क्लॉट है, वो ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। हेलो मोनी, मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए। ओके मैडम। नमस्ते मैडम, ये लीजिए। ओके, ठीक है, ये लो। हेलो, डॉक्टर ने कहा तो, इस तरह की सर्जरीज आजकल कॉमन है। थैंक्स शालिनी। कुछ देर के लिए उस बारे में मत सोचो, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। शालिनी, शालिनी तुम ठीक हो? क्यों फेंका है? अरे इधर फेंकना चाहिए ना। हाँ। आ, प्यार में चमको तेरे में, मेरे चमको प्यार।
अबे क्या देख रहा है, ऐसे चल जाना। अबे मुंह में घुसेगा क्या भागियां से? मुंह में जागा किधर है? मैं नहीं जाऊंगा। अबे तेरी भैंस की पूंछ। ए रोके। हाँ आया। तेरे को लगता है ना अपन सही कर रहे हैं? कोई गलती तो नहीं हो रही है? अबे मित्रा नहीं मिली ना तो अपन फंसेंगे जेल में। रंदा घसने से अच्छा रबड़ घस ले। घस लाख मतलब 10 लाख मिलेंगे ना भाई। एटीएम से तो पैसे निकले नहीं तो मैं बगल में एक बैंक में चला गया और वहाँ ये देखने लगा कि कौन सबसे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। बैंक में एक बंदा नहीं दिखा जो 10,000 से ज्यादा विड्रॉ कर रहा हो। पूरा मूड खराब हो गया था। मैं निकलने वाला था तभी एक आदमी आया। सर जरा पेन दीजिए, 10 लाख निकाल लो क्या? भैंस की आंख, मेरे 10 रुपए के पेन से 10 लाख का फॉर्म भर रहा था वो तो। ठीक है। मुझे लगा इस चोमू को किसी गली में दबोच के बैग ले लूंगा, लेकिन उसने बैग तो एक कार में दे दिया था। थैंक यू। मैंने सोचा इस कार का पीछा करना चाहिए और जैसे वो पेट्रोल भराने रुके मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। पक्का इसी रास्ते से जाएंगे? अरे 100% जाएंगे यार। पेट्रोल पंप के बाद जो रास्ता जाता ना वो यहीं से निकलता है। तेरे को गाड़ी तो याद है ना? अबे याद है ना। साला मीडिया वाला भी ना मसाला खबर के लिए कुछ भी करेंगे। वो लड़की कैसी है? कौन सी लड़की सर? तेरी शादी हो गई क्या? नहीं ना। क्यों सर? तो मैं तेरी पत्नी की बात नहीं कर रहा ना। अबे जिसका एक्सीडेंट हुआ वो लड़की। अब बेटर है सर, बस सर पे थोड़ी चोट आई है, सदमे में थी सर। बेहोशी की दवा दी है, खतरे से बाहर है, ठीक हो जाएगी। इससे भंगार हॉस्पिटल नहीं मिला का? एक्सीडेंट स्पॉट से सबसे नजदीक यही हॉस्पिटल था सर। होश में आती उस लड़की का बयान ले लेना। ठीक है सर। सर एक मिनट सर। सर 15 मिनट्स रुकने के लिए बोला है, डॉक्टर चेकअप कर रहा है। जब वो लड़की ठीक है कहा है इतना तमाशा है? हीरोइन है सर, मीडिया के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज हुई ना, आप तो जानते ही है सर। ठीक है, वो मीडिया वालों से तुम बात कर लो। क्या बोलूं सर? तुम ये कहना तुहार बीवी किसी के साथ भाग गई है, उनका लाइव कवरेज करना है। कहा बोलोगे? कहा बोलोगे? पहली बार मीडिया से बात कर रहे हो क्या? सॉरी सर। तो फिर वो मीडिया बाहर है तो यहाँ कलम कौन दौड़ा रहा है? ये लड़का शालिनी के साथ गाड़ी में था सर, अपना बयान दे रहा है। भाई अब क्या करेगा? पैसों का इंतजाम कहां से करेगा? मां से बात हुई? अंकल का कोई दोस्त या रिश्तेदार पैसा देगा? कोई नहीं देगा यार। और वो तेरा प्रोड्यूसर? कहां से इंतजाम करेंगे? गाड़ी में जो लड़की थी उसको किधर तो देखा? कौन सी लड़की रे? अबे वही जिससे हमने चोरी की रही, फिर दिखी तो पहचान लूंगा। फिर देखेगा तो तेरा पता नहीं पर वो तुझे जरूर पहचान जाए। चल जल्दी आ चला। अरे सच कह रहा हूँ, जानी पहचानी थी इसलिए फट रही है मेरी। अबे अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। अबे ऐसा क्यों लग रहा सब लोग हमें देख रहे हैं? विमल को फोन किया तूने? हाँ रास्ते में। और पंटर बता कॉलेज का क्या हाल है? अबे कुछ नहीं यार, वैसे ही टूटा फूटा है। मित्रा के घर से आ रहे क्या? चाबी गुम गई थी ना, मिल गई क्या? पहले उसके घर काय को गए, मेरे घर कुत्ता काटता है क्या? ऐसे ही मिलने के लिए, टाइम पास बोलना। कितना सड़ाएगा पकाऊ। तुम लोग का सामान किधर है? अबे कहीं पे रखवाया यार। रखवाया बोले तो?
तुम लोग किसी और जगह भी मुंह मार के आए हो क्या? पिक्चर गए थे यार। पिक्चर? अकेले अकेले? मेरे को नहीं बोला। भोजपुरी फिल्म थी, तू देखता नहीं? आंख बंद कर लेता। बस क्या यार, कितना शेंडी लगाओगे मेरे को? मेरे को सब मालूम। मैं उड़ती चिड़िया देख के बता दूं नारे की मादा, तू तो पंटर है अपना। बोल, खोलूं क्या तेरी पोल? मित्रा को देखते ही तेरा प्यार का मीटर डाउन हुआ, सोचा इसी को घरवाली बनाऊंगा। लेकिन तेरे को भाग के शादी मनानी थी ना, तो कन्यादान के लिए तेरे इस दोस्त को चुना है कि नहीं? और क्या है? तू चड्डी बड्डी से छिपा रहा है, चड्डी के छेद नहीं छुपा है तो बात छुपा रहा है। मैं तेरे से बेटर दिखता है और वो मेरे पर पूरी तरह फिदा थी, लेकिन मैंने बोला नहीं, तू राहुल की है। हैं? शहर के बाहर हुआ दिल दहलाने वाला हादसा, सबकी चहेती शालिनी पे खूंखार गुंडों ने किया खतरनाक हमला और चुराए लाखों रुपए। हमलावरों ने रुमाल से चेहरा छुपा रखा था। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक शालिनी की हालत बहुत नाजुक है। 48 घंटे? ये किसने बोला? अग खरच भी नहीं सांगितलं, पागल हूँ क्या? एक मिनट, बाद में कॉल करता हूँ। सर, मीडिया वालों को क्या बोला रहे तू? सर, उन्होंने मेरी बात घुमा डाली। मैं बोला 48 घंटे में चोर पकड़ लेगा, पर मीडिया घुमा के बोली 48 घंटे तक शालिनी का हालत नाजुक है। चोर पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? ये सब बकवास करने के लिए तेरे को कौन बोला? सर, ये मीडिया को हमेशा ऐसे ही मसाला चाहिए ना। चुप, मीडिया से बात तक करनी नहीं आती। खादे तुम्हारे पापा कैसे हैं? ठीक है। हेलो माँ। कहाँ पहुंचा बेटा? पहुंच जाऊंगा माँ, थोड़ा फंसा हुआ हूँ। पापा कैसे हैं? कल शाम तक ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिलहाल थोड़े बहुत पैसे हैं ना? हाँ, तेरे मामा से उधार लिया है। माँ बोलना। वहाँ मीना है? हाँ है, उसे दूं क्या फोन? हेलो, बोलिए भैया। मीना, वहाँ टीवी है? ग्राउंड फ्लोर पर एक है, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। आपका एक्सीडेंट? चिल्लाओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा। वो एक्सीडेंट न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, माँ देखेगी तो परेशान हो जाएगी, उन्हें बताना मत। समझ गई, कुछ हो तो कॉल करना। ठीक है, बाय। बाय। तेरा भाई क्या बोला? कुछ नहीं। तूने उसे बताया तो नहीं ना कि ये सब कैसे हुआ? नहीं, कुछ नहीं बताया, घबराइए मत। राम मोहन के घर वाले? मैं हूँ। बुआ जी आप रुकिए, मैं जाती हूँ। वो किसी गाड़ी से तो टकराए नहीं, फिर उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? रास्ते पे कुछ लोग हाथापाई कर रहे थे तो उन्हें रोकने गए, पर गुस्से में किसी ने उन्हें ही धक्का दे दिया और गिर के उनका सिर फट गया। हजार बार बोल चुकी हूँ ऐसे मामलों में मत पड़ा करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, पर ये कहाँ सुनते हैं। अरे छोड़ो, इन्हें क्या कर रहे हो? गिर रहे हो, आदमी को मार रहे हो। चाचा संभालो अपने आप को। अबे गांव उठी, बैंक से निकाले पैसे क्या गिन रहा है? जल्दी से फोन लगाना। फोन दे चंडू, तेरा नहीं मेरा। तेरा फोन मैं कैसे दूं? कैसे दूं मतलब, ऑटो में तेरे को ही तो दिया था। तेरे को वापस तो कर दिया था ना। कभी वापस किया बे? ठीक से देख, ये दिमाग की नस मत फाड़ा, तेरे को दे दिया था। अरे अबे फिर फोन घुमा दिया। अबे फोन संभाल के रखना नहीं था तो मेरे पास रहने देता, मैं संभाल लेता ना। तूने फोन दिया ही नहीं झिंगुर। फालतू बात मत कर, ए इसको फोन लगा। फोन बजा क्या? बज रहा है पर कोई उठा नहीं रहा। अरे गिफ्ट इज वेयर फोन वेयर। अरे राहुल को पूछना, स्पेशल पाव भाजी खाएगा या डाइटिंग पे है तो बिना बटर के लेके आऊं? बिना बटर के कोई नहीं खाता, स्पेशल वाली ले आ। सुन, बगल वाले ठेले से पाव भाजी के साथ दही पूरी भी लेके आऊं क्या? यार दिमाग का दही मत कर, जो मांगता लिया। बटर छोड़, चीज पाव भाजी लाता हूं। जामर। सुन सुन सुन,
नहीं तो मस्त नींबू निचोड़ के मसाला पाव खाओगे क्या? निचोड़ना, जोर से निचोड़ना, जितना दम है पूरा लगा देना, एक बूंद भी मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अबे ओए, बैग में चेक किया क्या? किडनैपर का नंबर भी तेरे फोन में था यार, तुझे नंबर याद नहीं आ रहा? अब बैठ के मंजीरा बजाओ। अबे नया पंगा खड़ा किए बिना तेरे को चैन नहीं मिलता है क्या रे? तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे जानबूझ के किया, तेरे को फोन दिया था, तू भी तो घुमा सकता है। Doing self गड़बड़ and telling lie to others। अबे खेसिया क्या रहा है, हिम्मत है तो मुंह पर बोलना। अरे हर बार तू मेरे पे काय को बिल फाड़ता है रे? इन क्लास, इन कैंटीन, हर बार मैंने ही तेरा फोन घुमाया था क्या? खुद की याददाश्त चली गई है and you telling me, हां? नहीं करूंगा, क्या उखड़ लेगा? Do you want? हे हे, चुप रहना दोनों। ए चिल्ला काय को रहा है? छिपकली देखिए। तुम लोगों को पिक्चर देखना पसंद है क्या? लास्ट रो की चार टिकटें हैं मेरे पास। मैं सिर्फ कलर सिनेप्लेक्स पर पिक्चर देखता हूँ। चलना सब चलते हैं, कल की चार टिकट ले लेता हूँ, मस्त है एकदम। चल ठीक है, ले 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 ले, होपचे की सीटी लेना और पिक्चर धमाकेदार होनी चाहिए, थिएटर में आग लग जाएगी। सुन है? अब वापस मत आना। क्यों? और दरवाजा तो बिल्कुल मत खटकाना। पर क्यों? वो रैम्बो की चड्डी में छेद है तो राहुल उसे सिल रहा है। ओ मत कर। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम लोग आराम से सिलाई। अबे कब से बोल रहा हूँ तुम लोगों को, चिल्लाओ मत चिल्लाओ। इसको समझा, बाप की सही बात नहीं सुनी, इसका रोना गाना क्यों सुनूं? अबे समझना रैम्बो। यू शट, इसके हीरो के लिए हमेशा अपने को भारी पड़ती है। लड़की के दो आंसू देख के एक्शन में आ गया रे, हाथ जोड़कर इसे मैं समझाया था कि इन सब लफड़ों में मत पड़। उस लड़की की बातों में आ गया साला। अरे तू बता ना मेरे को, कौन से घर में लोचे लापचे नहीं होते तो सब लोग अपने घर वालों को लूट के भागते फिरेंगे? इसका बस चले तो देश की सारी लड़कियों को बेघर कर दे ये। आराम से, आराम से। जब वो किडनैपर मित्रा को बेच डालेगा ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अबे कड़वे, अबे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू, जब मंगाइला तू, जब दम ना उस बेचारी को बचाने में लगा, समझा? शहर के बाहर हुई खौफनाक वारदात, तीन दरिंदों ने हीरोइन शालिनी पे जानलेवा हमला किया और उनके 10 लाख रुपए चुराए। सूत्रों से पता चला है तीनों हैवानों ने रुमाल से चेहरा ढका हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक शालिनी की हालत बहुत नाजुक है। पुलिस उन दरिंदों को पूरे शहर में ढूंढ रही है। आजा। शिनु, शिनु, मैं समझ गया किडनैपर कौन है, मित्रा के वही तीन दोस्त। सबूत क्या है? चल बता, पता तूने क्या देखा? बताता हूँ सर, उन ट्रिपल आर ने ही फिजिक्स के सर को फोड़ा है, वो हाँ। तीनों रुमाल बांधकर उनकी वेट कर रहे थे। रुमाल बांधे तीन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप किया, ये कोमोलिका ने देखा, और उन्हीं लोगों ने ट्यूशन मास्टर को मारा। ट्यूशन मास्टर को मारने वाले को इसने देखा, यानी इसका मतलब, फर्स्ट रुमाल बांधे तीन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप करके 8 लाख रुपए मुझसे लूटे और मित्रा को भिजवा दिए। साथ में निकलते तो हमें शक होता, इसलिए वो कुछ दिन बाद यहाँ से निकले। ये इत्तफाक नहीं है, प्लान बना के सोची समझी साजिश की गई है। इन तीनों का काम नहीं है, पर कुछ तो झोल क्या, कब से झोल झपाटा लगा रखा है? वही तीन लोग हैं ये, एक बच्चा भी बता सकता है, पर तू तो कब से एक ही रट लगा रहा है, झोल झपाटा है, झोल झपाटा है। तू कैसे कह सकता है कि वही तीन थे? शर्ट से पहचाना सर, हाँ। पूरे शहर में रॉकी के अलावा और किसी के पास ऐसी शर्ट नहीं है। लिया? एक बार मैंने भी मांगी थी, उसने दी नहीं। ये देख, इन दोनों पेन में से पहला कौन सा उठाया मैंने? क्या? ये वाला? पता नहीं सर। खैर जाने दे, मैं बहुत बड़ा जीनियस हूं। ये घड़ी पहले कहीं देखी? क्या चल रहा है? मेरी चाची की पड़ोसन का लड़का पहनता है सर। अब ये बता, क्या मैं वो लड़का हूं या ये पड़ोसन का घर? तो जब एक जैसे दो पेन हो सकते हैं, एक जैसी दो घड़ी हो सकती है, तो क्या दो शर्ट्स एक जैसे नहीं हो सकते? पर उस दिन जब मैंने रॉकी बोला तो उसने पलट के देखा था सर, और जवाब भी दिया था सर। देखा क्या जवाब दिया था? अरे ओ चोमू चल फुट। क्या जवाब दिया? अरे ओ चोमू चल फुट। क्या तुम्हारे पीछे लोग खड़े थे? लोग याद नहीं है सर, शायद खड़े होंगे, पता नहीं। अरे भोंदू, किसी हा? पीछे वाले को बोला होगा, तुम अकेले चोमू हो गया। यू आर जीनियस सर। तो अब बताओ तुमने किसे देखा था? जो भी था रॉकी नहीं था सर, बल्कि वो क्या, मैं भी वहां पर नहीं था सर। ओके सर, मैं चलता हूँ, बाय।
ए, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। वो यहाँ आके तेरे सामने गुनाह कबूल भी कर ले कि सर हमने ही ये किडनैपिंग की है, तो तुम कहोगे नहीं तुम ये कर ही नहीं सकते, तुम कहोगे तुम्हारे किसी हमशक्ल ने किया होगा और तुम उन्हें छोड़ दोगे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे दिल में उनके लिए क्यों है ये सॉफ्ट कॉर्नर। तुम मेरे दोस्त हो या उनके दोस्त हो? आर के तू बड़ा भोला है रे। आज ही मैंने देखा न्यूज पर एक्टर शालिनी पे हमला हुआ और उसके पैसे चोरी हो गए। वहां भी तीन लोग थे, मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था। तो क्या इसका इल्जाम भी उन तीनों पर लगा दूं? नहीं ना, मैं हूं ना, लेकिन कुछ तो झोल झपाटा है। अरे ठीक है सुनना, ए सिस्टर तुम्हारा खाना। बिरयानी अच्छी नहीं लगी क्या? अरे डरने का नहीं है, मैं उनकी तरह कमीना नहीं हूं ना। मेरी एक 7 साल की बच्ची है। दीदी एक बात पूछूं, रोग इतनी तुम अनाथ हो क्या? मेरा बाप भी इस दुनिया से निकल लिया करीब 8 साल पहले बिना बीमा कराए। मैं अपने बाप को प्यार करता था लेकिन वो चला गया, इसलिए मेरी 7 साल की जो बेटी है ना उसका नाम मैंने सुबह राव रखा, बाप की याद आ जाती है। आपको डांस करना पसंद है ना? बैग में घुंघरू थे बस इसीलिए पूछा। आप इतना भारी बैग लेके क्यों घूमती हैं? भारी? हाँ ब्रांडेड बैग है ना इसीलिए। ओ फिर तो बहुत महंगा होगा। इतनी रात को चंदा मांग रहे हो? नहीं दूंगा जाओ। ऐसे बात करते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल से। सॉरी सर आप यहाँ? मजबूरी में आना पड़ा यहाँ। आप ये क्या बोल रहे हैं सर, मैंने हमेशा उसे लड़कियों की इज्जत करना सिखाया है। मैं मानता हूँ कि वो शरारती है पर मैंने उसे अच्छी परवरिश दी है। अरे आज तक मेरी जेब से 10 रुपए नहीं चुराए उसने, भला आपकी बेटी को कैसे किडनैप कर सकता है? मैं तुम्हारे बेटे के अच्छे बर्ताव का सर्टिफिकेट लेने नहीं आया यहाँ। कहाँ ये बताओ? फिलहाल तो वो अपने किसी दोस्त की शादी के लिए गया हुआ है। कहाँ गया है? हैदराबाद गया है। एक काम करो फोन लगाओ उसको। अरे जेब से फोन निकालो और लगाओ, प्लीज लगाओ, मैं कह रहा हूं ना। चलो फोन नहीं उठा रहा। देखा मिल गया ना सबूत, मतलब उसी ने किडनैप किया। ये कैसी बात कर रहे हैं, कोई फोन ना उठाए तो किडनैपर हो जाता है क्या? बच्चा है सर। बच्चा है? ट्यूशन मास्टर को डस्टर की तरह झाड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उस बदमाश को तुम बच्चा कह रहे हो? बगल वाले बुड्ढे को परसों हार्ट अटैक आया, आज वो हॉस्पिटल में है, तो क्या वो भी मेरा बेटा किया? कोई भी हॉस्पिटल पहुंचेगा तो क्या उसका दोष मेरे बेटे को देंगे? सर वो शादी में गया है। आपकी तसल्ली के लिए मैं फिर से फोन कर देता हूँ। सुन बे तेरे बाप का फोन है, तू बात कर, पहले ही मेरी सटकी हुई है। हेलो अंकल। हेलो बेटा राकेश, इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? वो खाने की प्लेट उठाकर लाइन पे खड़े हैं, अभी पनीर खत्म हो गया। मीठे में क्या है? मीठे में जलेबी रबड़ी है ना। अरे वाह, मेरा बेटा कहाँ है? उसने तेरी प्लेट उठाई है क्या जो फोन नहीं उठा रहा? अरे नहीं नहीं अंकल अभी देता हूँ। हाँ दे उसको। ये ले करना। स्पीकर ऑन करो। हेलो क्या रे, उसकी शादी हो गई क्या? फोन कहाँ है तेरा? हेलो सुनाई नहीं दिया, फोन कहाँ है तेरा? गुम हो गया। क्या क्या कहा?
गुम हो गया बाबू। अरे नालायक, क्या एक फोन संभाल कर नहीं रख सकता? जितने फोन तूने खोए हैं उतने में तो मैं बैंकॉक जाके आ जाता। अब चाहे भीख मांग, मजदूरी कर, अपने पैसों से फोन खरीद। तू माँ ने तो सिर्फ लेबर पेन सहा है और मैं जिंदगी भर तुझे सह रहा हूँ। सुधर जा, तेरा बाप कोई रईस नहीं है। बेटी का ये पूछो, पूछो आपकी बेटी। हेलो हेलो, प्रिंसिपल की बेटी लापता हो गई है, किडनैप हुई है शायद। तू जानता है क्या? कुछ पता नहीं है ना? ए कुछ बोलना। तू बोलता क्यों नहीं है? एक नंबर का डफर है वो। उस गधे की बेटी का मुझे क्या पता, उसको तो गर्म तवे पे बिठा के गीले हाथ से लाफे मारने चाहिए। उस मनुष्य के तो घर में घुस के उसकी चर्बी उतारूंगा। मेरा मूड खराब है, फोन रख रहा हूं मैं। ये घर की नहीं बाहर की परवरिश है, ये सब इसने बाहर से सीखा है। हेलो ऐशिनो। हाँ बोल। पोतीनो हैदराबाद में। बाहर के। देख मुझे तेरा कोई भी बकवास एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना। तू मेरे साथ हैदराबाद चल, मैं साबित कर दूंगा कि इस सबके पीछे वही लोग हैं। मैं अभी निकल रहा हूँ, बाय। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? 9 के बाद तो अच्छा टाइम था, बुरा कैसे हो गया? 29 तारीख बुधवार पूनम की रात है, शुभ मुहूर्त ही है, फिर मेरा फोन काहे को नहीं उठा रहा ये? पता नहीं मित्रा के साल में हो गए बेचारी। अच्छा चल मच छोड़, जाके फोन ढूंढते हैं। अच्छा सुन, मेरे को तुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। हाँ अब चल। अबे उठना है यार। अरे फोन नहीं उठाएगा तो पैसे कहां से आएंगे भाई? भाई सुन रहे हो क्या? लड़की बेच के क्या? लड़की बेच के और कोई रास्ता है क्या तेरे पास? नहीं यार, पैसा तो अरेंज करना ही पड़ेगा ना यार। दोस्त से पूछा। फोन देखा क्या यहाँ? यहाँ कोई फोन छोड़कर गया क्यों? हाँ बताइए, ये लानी है। भैया आप कहाँ पहुंचे? हाँ मैं ऑन द वे आ रहा हूँ। मैं एक और दोस्त को पूछ के देखता हूँ। बॉस एक फोन देखा क्या गोल्डन कलर का? मिलेगा तो? हाँ हाँ बता। 20,000 तो पड़ा है, चल एटीएम से निकाल लेते हैं। चल मान लिया तीनों मुजरे में। मान क्या लिया? वही है मतलब है? अरे बात तो पूरी सुन ले। ठीक है, उन्होंने ही किडनैप किया, मास्टर पर हमला भी उन्होंने ही किया, सब कुछ उन्होंने किया। ठीक है हाँ, सब कुछ उन्होंने किया। चल अब मेरी एक बात का सच सच जवाब दे, मित्रा के ट्यूशन ना जाने की वजह क्या थी? वजह क्या देगी, बहाने बना रही थी। हाँ तो वो बहाना ही बता दे। ट्यूशन मास्टर ने उसके साथ कुछ गलत हरकतें की ऐसा बता रही थी। अरे पढ़ाई से बचने के लिए गलत बहाने करती है और कुछ नहीं। ओ, अगर सच में उन तीनों ने मास्टर पर हमला किया है तो मित्रा ने उन्हें जरूर बताया होगा, और उस बात में सच्चाई नहीं होती तो वो तीनों उस मास्टर को कभी मारते ही नहीं। सही कहा ना? उन्हें क्या दौरा पड़ा था जो वो मास्टर को मारते? वो तो उन्हें पढ़ाता भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि उन्हें सच बोलेगी और तुझे झूठ। अच्छा चल ये सब बातें छोड़ दे, जब तेरी बेटी ने तुझे कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा हुआ तब तूने क्या किया? बोलना। अरे तूने बोला होगा वो मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं कर सकता। तुझे अपने दोस्त की इज्जत की पड़ी है और अपनी बेटी की इज्जत का क्या? कोई भी बेटी अपनी पढ़ाई के लिए अपने बाप को वाहियात बहाने क्यों देगी? आखिर तू कैसा बाप निकला यार, एक बाप होने का फर्ज तक नहीं निभा पाया। ऐसे वक्त में तुझे साया बनके उसका साथ देना चाहिए था। हाँ बस एक ही रट लगाए रखा है कि कोई उसे ले गया, कोई उसे ले गया। अच्छा एक बात बता, मित्रा खुद भागी होगी तो? हाँ तुझसे परेशान होके? देख मैं ये नहीं कह रहा कि तू उससे प्यार नहीं करता या तू गैर जिम्मेदार बाप है,
क्योंकि मैंने देखा है वो जब भी तुझसे दूर रहती थी तो उसके लिए तरसता था। ये बात उसे भी पता होनी चाहिए ना। कैसे पता चलेगा? बाप बेटी के बीच में दूरियां आ गई ना। तो कितना भी कह ले कि गलती उन लोगों की है, पर सच्चाई तो यही है कि अपना होने का असली फर्ज उन लोगों ने निभाया। भाई ऑटो में गोल्डन फोन घुमाया, देखा क्या तुमने? तुमने किसी ऑटो ड्राइवर के पास गोल्डन कलर का फोन देखा? अरे फोन छोड़ना, क्या पता अंदर क्या टकाटक फुल झड़िया दिलाता है। तीनों का 900 लगेगा, बोल चलता है क्या? अरे बोलना, कोई फोन बचा होगा बीच में तो। वो कहीं उसे बेच तो नहीं देगा ना? सुन, एक ही रास्ता बचा है, हमें शालिनी से ही और पैसे ले लेने चाहिए। तू पागल हो गया क्या? मेरी वजह से वो हॉस्पिटल में पड़ी है, ऊपर से 10 लाख का फटका लग गया, अब फिर से उसी से पैसे। तेरे पास कोई और तरीका है तो बता। रात भर भटक के 30,000 भी जमा नहीं कर पाए। अरे कल रात को किधर गायब हो गए थे? जवाब दो ना। बाहर गए थे थोड़ा। बाहर किधर? अबे बाहर गए थे। इज्जत छोड़ और बाप की सोच। अरे पैसा लौटा देंगे ना। रात को इतनी मस्त जगह से डिनर लेके आया था मैं, और तुम लोग हो कि बिना कुछ बोले कल्टी मार लिए। बोल के तो जाने का, मेरा फोन तक नहीं उठाते हो। कितना फोन किया? 9 बजे शुरू किया पहला कॉल, उसके बाद 12 बजे तक 128 कॉल किया तेरे को, फिर 2:30 बजे भी किया। अरे मैडम देख के चलो ना। क्या है? ए, लास्ट टाइम तेरा फोन कब उठाया था? 5:20 पे। 5:20 पे तब अपन लोग कहां पर थे? ए, क्या कोई मुहूर्त था क्या? ए, बता दो। विशाल कहाँ जा रहे हैं? विशाल, चल भैया चल, जल्दी चल। अरे किधर जाने का है? अरे बचा ले, चल तो। ऑटो ऑटो, सीधा सीधा चल। क्या बताएगा? मोबाइल से वो पकड़े जाएंगे। यार कौन सा मोबाइल? एक चोर का मोबाइल जेब से गिर गया था। अबे तुझे लग रहा है वहाँ गिरा होगा? ये सोच पुलिस के पास होगा तो क्या करेंगे? पुलिस के पास नहीं है, होता तो अब तक तुम दोनों को पुलिस का फोन आ गया होता। ना ही किसी के पास है, वरना कोई उठाता या बंद करता। अरे मुंह क्या देख रहा है, फोन लगाना। भैया प्लीज जरा जल्दी चलाइए ना। ए भाई रिक्शा भगा भगा। ए रुक रुक रुक। अरे रिक्शा रुक रुक ना। उसका फोन यहीं कहीं गिरा था। अच्छा वो भी कुछ तो ढूंढ रहा है, कहीं फोन तो नहीं ढूंढ रहा है। वो रिंग सुन लेगा, फोन काट जल्दी।
अभी व्हाट? अबे तेरे नंबर से फोन आ रहा है। सर मैं विशाल बोल रहा हूँ। एक्सीडेंट स्पॉट से हमें कोई मोबाइल नहीं मिला, पूरे एरिया की अच्छे से तलाशी ले ली है। नहीं सर, वो फोन मेरी आंखों के सामने ही गिरा था। फोन मिल गया तो वो लोग भी मिल जाएंगे। अरे मोबाइल होता तो मिल जाता, फिर भी सच पार्टी से बात करता हूँ। क्या बोले वो? उन्हें यहाँ कोई फोन नहीं मिला। यार एम्बुलेंस को बुलाकर पुलिस आने तक मैं यहीं रुका था। यह खुला मैदान है, मेरे सामने कोई फोन उठाता तो मुझे दिखता नहीं क्या? क्या हुआ होगा? अरे उसके हाथ में तेरा फोन नहीं है। तो किसके पास है? अभी तक ढूंढ रहा है, मतलब ही है उन्नो। तो ये फोन कौन कर रहा है? हेलो। ए जैकवा और जिलेवा गए ऊपर हिलेवा, देखवा मेरे गवा। कौन बोल रहा है? हड्डी टूट गया। अबे शाने जल्दी बोल, कौन है तू? ये उस दिन वाला पागल है। उधर तुम कौन? समझ गया, उस पागल ने उठाया होगा। पागल? हाँ वही होगा, तू आ जा चल। अरे पहले पूरी बात तो बता। उस दिन उसके अलावा यहाँ कोई नहीं था, हो ना हो उसी ने फोन लिया। क्या बोल रहा है? ए राजू, अगर वो मिल गया ना तो चोर मिल जाएंगे, उसे ढूंढना ही होगा। ओके चलिए चलिए। हाथ जोड़ता हूँ, बताना किधर है। अगर मेरे घुटने में दर्द है तो बताओ ना, मैं किधर खड़ा हूँ। अच्छा बताओ हाथ में क्या मेरे? अबे वही हमारा फोन है। किसका फोन? मेरा फोन है। तो मेरा किधर है? अबे चोमू हमें क्या पता? अबे भूती है, मेरे पास तेरा फोन है तो तू किसके फोन से भौंक रहा है बे? मेरे दोस्त के फोन से भौंक रहा हूँ। ये भी मेरे दोस्त का फोन है अटेले, हम नौकर हैं जो उनका फोन संभालते चले। अभी लॉरी के नीचे फेंकता हूँ। मेरे प्यारे लल्ला टॉप, देख फोन को कुछ मत करना प्लीज। ए मेरे से झूठा प्यार दिखाने वाले रिश्तेदारों की तरह बात मत करो, अभी फोन को मैं पटकता हूँ। देख 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 भाई भाई, फोन तू रख ले ठीक है। हाँ बस कॉल इसमें से मुझे फोटो मतलब देख नीचे फोटो होगा फोन का, उस फोटो को दबा और जो पहला नंबर देखे वो बता दे प्लीज। प्लीज पहला नंबर बोलूं क्या? हाँ, नीचे वाला। हाँ नीचे भाई, ध्यान से सुनो, एक ही बार बोलूंगा। हाँ हाँ बोल तू बोल। 9409407505030530430430। अबे ये तो 12 नंबर हुए। नहीं दो और हैं, 14 है पूरे। अबे किसका नंबर दे रहा? जोड़े का तलाक हुआ तो पैसा वापिस, अभी बोलो। अबे नीचे मतलब फोन के नीचे, डिस्प्ले पे देख, डिस्प्ले पे। जमीन पे नहीं? नहीं जमीन पे नहीं। अरे जब नंबर चाहिए नहीं था तो छपाया क्यों? हमने नहीं छपाया। मैं काम करता हूँ, इस नंबर पे ना मिस्ड कॉल देता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। अरे कितना भंकस कर गया यार। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई तू रिक्शा चला ना रे। अभी किधर चलना है भाई? यहाँ आसपास भिखारी विकारी जहाँ बैठते हैं ना वहाँ ले चलो ना प्लीज। अरे तुम लोग भी ना। हाँ प्लीज, बावला तो फोन काट रहा है। अरे कैसे कैसे पागल लोग हैं। मुझे लगता है तू पागल है, इतने बड़े शहर में एक भिखारी को ढूंढने निकला, उसके पास फोन है भी क्या? सुन आज शाम को तेरे पापा का ऑपरेशन है, याद है ना तुझे? यार उनके पास 10 लाख है, वो वापस मिल सकते हैं। क्या पैसे मिलने का 1% भी चांस है तो लेना चाहिए, भले वो पागल ना मिले कम से कम अफसोस तो नहीं होगा कि कोशिश नहीं की। कुछ नहीं हुआ तो शालिनी से भीख मांगूंगा, बस यही उम्मीद करना तब वो मना ना करे। पाव वाला मेरे को फिल्म का टिकट दिया है। समझ में नहीं आता कि मैंने शादी अपने लिए की है या मोहल्ले वालों के लिए, और फिल्म जाने से पहले बच्ची को स्कूल से ले लेना। जल्दी जल्दी, वो मेरा भूखोला भाई है। बताया कौन सा भाई है? बकवास मत कर, वो मेरा अकेले का औलाद नहीं है। उनको गुलाम बनना नहीं चाहता, तेरी जैसी औरतें बना देती है। खाना खाने को पैदा हुआ क्या? खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? अरे तुम दोनों काफी हो, ले जाओ। तू नहीं आ रहे क्या? नहीं भाई। काहे को? बच्ची स्कूल से आने वाली है। बीवी किधर है? बीवी तो फिल्म देखने गई है, अब बच्ची वापस आएगी तो भूखी प्यासी रहेगी ना। चुप कर, लगता तू ही पनौती है। चल निकल इधर से, चल तू निकल, तू गाड़ी चला। सिस्टर वो जो आपका बैग था ना वो मैंने अपनी बेटी को दे दिया, बेचारी कब से नया मांग रही थी।
भाई सिस्टर को जरा संभाल के ले जा। मेरे को मत सिखा रहे लुखे, अपनी बीवी को संभाल तो। अबे तुम झल्ला बन के क्या चल रहा है, ओवरटेक करना। राइट से निकाल के बढ़ाना यार, जल्दी कर। अरे भाई किधर लेके जा रहे हैं तू? अरे स्कूल के बच्चों को लेने का वक्त हो गया है, उनको छोड़ के अपन आगे जाएंगे। तो पहले बोलना था ना। भैया सुबह राव को कोई नहीं लेने आया, इसको भी घर छोड़ देना। हाँ उसकी माँ का फोन आया था। अरे सब बैठ गए, अभी चलना जल्दी यार, चलना भाई। अबे क्या लेगा चलने का अब? अरे हाँ चल रहे ना। राहुल के सिवाय तो किसी को भी नहीं पता था कि मैं हैदराबाद में हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? सुब्बा राव। सुब्बा राव? हाँ मेरे दादाजी का नाम था तो पापा ने मेरा नाम सुब्बा राव रख दिया। ओह ये बैग आपको किसने दिया बेटा? मेरे पापा दुबई से खरीद के लेके आए हैं, बहुत महंगा बैग है। दुबई से लाए? अच्छा बहुत अच्छा है, मुझे दिखाओगी? हाँ देखो। तू नीचे चेक कर जल्दी। अपना ही है। हमें भी ऐसा ही चकाचक बैग चाहिए, आपके पापा हमारे लिए भी लाएंगे। हाँ मैं बोल दूंगी। अरे बोलो मत, हमें पापा के पास ले चलो। अरे रे यार, अरे रुको रुको, यही पत्ती है, चाय पत्ती नहीं है। रुक जा, इसका पैसा क्यों लेते हो? ऊपर ताड़ के पत्ते तो फोकट में। फोन कहाँ है? फोन? मुझे फोन दो, फोन दो। अरे हमें घर लेके चलोगी? ले चलूंगी। थैंक यू बेटा। ये क्यों बांध रहे हो? पॉल्यूशन है ना, खांसी होगी। तो मैं भी बांधूंगी। आओ 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 बेटा। हो रहे। आओ बेटी। मित्र कहाँ पर है? पता नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फोन कहाँ पर है? अबे रुक मेरी रित्तो। रोड पकड़ पकड़। मुझे ना नहीं। अबे गुत्ती पकड़ उसकी, गुत्ती पकड़। रुक के कहाँ जा रहा है? रुक।
बुलाओ क्या पुलिस को? हाँ निकल। अबे पुलिस में अपना भी बहुत रोब है। अरे भाई दिखता नहीं है क्या? अबे ये तो वही लोग हैं और इधर ही आ रहे। लगता है कि कोई गेम शो चल रही है। इन्हों हमेशा साथ में ही घूमते हैं क्या? बाथरूम भी साथ में ही जाते होंगे। ए रुको, मैं भी खेलूंगा। चुप चुप, मारूंगा। आवाज नहीं करने का। लगता है ये भी मेरे जैसा नया प्लेयर है गेम में। विशाल मिला क्या? नहीं। हाँ मैं रास्ते में ही हूँ। पापा का ऑपरेशन हो गया है, उन्हें रूम में भी शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है डरने की कोई बात नहीं है। बिना पैसों के? नहीं बेटा,
कोई तेरे नाम से पैसे भर के गया है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ? ऑपरेशन के पैसे मिल गए। शालिनी ने भेजा होंगे। चल। तुम ठीक तो हो ना? मेरी बात छोड़ो, तुम कैसी हो? मैं याददाश्त तो नहीं गई अब तक, तुम्हारी स्क्रिप्ट भी याद है। तुम्हारा मुझ पे एहसान है शालिनी, अगर तुम नहीं होती पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। थैंक यू बोला ना तुमने, काफी है। वैसे जगह अच्छी है ना कहानी सुनने के लिए? हाँ वैसे मुझे कहानी सुनने के बाद तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी है, पूछ सकती हो? बाद में क्यों, अभी पूछ लो। देखो मुझे गलत मत तुम्हारे पैसे मैं दो दिन प्लीज विशाल क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं जानती हूँ अजीब लग रहा होगा और ये जगह भी शायद ठीक नहीं है, सिर्फ मैंने मदद की है तुम्हारी, इसलिए ऑब्लिगेशन में हाँ मत बोलना प्लीज। एक और बात, ये मत सोचना कि मैं मूवी के लिए मना कर दूंगी, वो प्रोफेशनल है और ये पर्सनल। तो इसे मैं ना समझूं या सोचने के लिए वक्त लोगे? ए लड़की, साहब ने कहा अपने घर वालों को फोन कर ले, थोबड़ा क्या देख रही है, ले पकड़। हेलो भाई, हेलो 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 मित्रा, मित्रा कहाँ है तू? राहुल वो पैक हो गया। अरे वो छोड़, तू बता कहाँ पर है? वो लोग मुझे बेचने जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, अभी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? ये घर वालों को फोन करने को कह रहे थे, तू तो जानता है ना घर की हालत, तुम लोग आओगे? हेलो राहुल। नहीं मित्र, अपने बाप को फोन कर, उसके साथ घर चले जा, वही सही रहेगा, घर लौट जा। अरे जब तू अकेले रहने का जिगर रखती है, बुरे वक्त में इतनी हिम्मत से काम ले सकती है, तो अपने ही बाप को थोड़ा कड़क होके बात नहीं समझा सकती? गलत जगह मेहनत कर रहे मित्रा, घर तोड़ने में नहीं जोड़ने में करनी चाहिए। आखिर में अपनों की जरूरत पड़ती है मित्रा, वरना ये दुनिया तो अपने को बेच के खा जाएगी। देख हम लोग को आने में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू कब तक ऐसे डर कर भाग कर जीती रहेगी? तू समझ रही है ना मेरी बात? हेलो मित्रा, मेरी बात सुन रही है? तो तू घर जाएगी ना? बोलना, संभल के जा, पहुंच के फोन करना। ये लिपि, ये 10 लाख का क्या करने का है रे? तुम्हारे लिए कोई ये गिफ्ट छोड़कर गया है बेटा? मेरे लिए? शालिनी मैम,
गेट वेल सून सॉरी। बोला था ना वो तीनों नहीं है, मैं जीनियस हूं। बात समझ में आ गई ना? पहली बार अपनी दीवी सलाह किसी के काम आई, बिना लाफा खाए प्रिंसिपल सीधा लाइन पे आ गया। आगे पढ़ाई करना। बाय। हाय। पापा आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। अरे ये तो वही बैग है जो मैंने उन किडनैपर्स को दिया था। राहुल तुझे मैं कैसी लड़की लगती हूँ? लड़की जैसी मतलब अच्छी है, डांसर भी अच्छी है। हमारा ट्रिपल आर ग्रुप ज्वाइन कर ले तू। ऐसी बात बताना जो मुझे पता ना हो। मेरे को क्या पता, तेरे को क्या पता नहीं है? कोई ऐसी बात जो तूने बताई नहीं और मैंने पूछी नहीं। देख मित्र, नमक स्वाद अनुसार और सवाल सामने वाले की औकात अनुसार पूछने का। तू क्या बोल रही, सब बाउंसर जा रहा है। सीधा बोल दूं? हाँ बोल डाल। शर्माना मत। टेक करें शालिनी। Start sound. Start 3, take 2. Roll camera. Action. बामा है, कब तक बिना मकसद के जिएंगे वे? अबे है ना आज का मकसद, जल्दी होना है मुझे। ये मतलब जिंदगी में मित्र को देखना, उसको मालूम था उसको डांसर ही बनने का, तो उसका फोकस देखकर उसका बापू भी मान गया। पर मेरी सोच तो एस्टेट एजेंट बनने या चकना बेचने के आगे जाती ही नहीं है यार। अबे इतना लोड काई को लेने का रे, ताम झाम वाले मकसद ढूंढना जरूरी नहीं है, छोटे मोटे भी चल जाएंगे रे। जैसे टल्ली होके सीधा चलते घर में घुस जाना भी एक मकसद है। मॉम डैड विच गिव अस फूड, चुपचाप खाते पलते रहने का मकसद है ये भी। और क्या? मजे करने का, और क्या काम है? देखा मेरे भाई ने कितने सारे मकसद गिनाए, तू बोलेगा ना तो अभी 250 मकसद और गिना दूंगा मैं, समझा ना? टेंशन मत ले भाई। अरे दूसरों का महल देख के अपनी झोपड़ी नहीं जलाने का रही, मतलब ही नहीं बनने का, दूसरों को आगे बढ़ाने का। आगे बढ़ाऊ मतलब? जैसे जादू ने रोहित को कोई मिल गया में बढ़ाया था, जैसे भाई ने मुन्नी को बजरंगी भाईजान में बढ़ाया था। कल से ढूंढता हूँ किसको आगे बढ़ाने का। अगर तू किसी को बढ़ा सकता है तो सिर्फ भिखारी को, वो भी तेरी सुनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर बोलना छुट्टा नहीं है, आगे बढ़ो। ओके।